यानी कि हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ 1 2 3 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बुक का कोड जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम मैथ 1 2 3, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर जो है हमारा 1 है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसकी हमने जो डिस्कस करने हैं वो है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। यानी दो दर्जी मसावाद की जो मियारी शक्ल है ना वो हमने लिखनी है। और हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, एक तो पहले आप देख सकते हैं कि एक इसमें ऑप्शन है ax2 + bx = 0। ये तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि उसकी फॉर्म उसमें तो x की पावर 2 तो ठीक है, bx भी ठीक है, पर ये कांस्टेंट गायब है। दूसरा ऑप्शन इसके अंदर है यहाँ पर कि ax2 = 0 हो, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ आपको, ठीक है। और तीसरा हमारे पास सी ऑप्शन है जिसमें आता है ax2 + bx + c = 0, और डी ऑप्शन हमारे पास है इसमें ax2 + c = 0। अब जैसा कि यहाँ पर हमें ऑप्शन सी पता चल रहा है, सी में आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर कांस्टेंट और वो सारी वैल्यूज बन रही हैं, ठीक है ना। तो फिर हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला, ठीक हो गया। ये था हमारा पहला मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और वो यहाँ पर कहता है द रूट्स, ठीक है, ऑफ दी इक्वेशन। जो मसावात जो दी गई है वो ये है x2 + 4x - 21 सॉरी इज इक्वल टू जीरो आर। ये जो दी गई मसावात है इसके हमने रूट्स देखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ पर लेट कर लेते हैं जी, बल्कि एक में रुकिएगा, इसको लेट करने से पहले हमें इसके ऑप्शन तो देखने हैं ना, इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, फिर उसका करेक्ट आंसर देखेंगे। तो एक रूट है इसका 7 और 3, ठीक है, और दूसरे वाला जो है वो इसका है -7 और 3, और सी वाला जो है वो है -7 और -3, और जो डी है वो इसमें है 7 और -3, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। एक साइड पर हम इसको सोल्व करेंगे x² + 4x - 21 = 0। बेहतर है कि हम इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। तो a = 1 है, b = 4, c = -21। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे -p + -, ठीक है जी, √p² - 4ac/2a। इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है, जैसे कि -p कितना है हमारा 4, प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, और 4 * a 1 है और ये कितना है 21, इसका क्या आ जाएगा √, और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2 * 1। सही हो गया, सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं, ये आता है -4 + 16 + अब ये कितना हो जाएगा, 4 * 1 = 4, 4 * 2 = 8, मतलब कि 84, और ये आ गया √ में और डिवाइड बाय 2 है। मजीद देखेंगे तो ये -4 + अब ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 100 ही बनेगा, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 2 किया तो ये 10 हो जाएगा, -4 + 10 / 2। दो रूट्स इसके अगर हमने बनाने हैं तो एक मतलब प्लस माइनस में आता ना ये फार्मूला, या बल्कि हमने ये लिखना था ना, भूल गए। तो ये एक हो जाएगा 4 + 10 / 2, और एक इसमें आ जाएगा 4 - 10 / 2। ये दोनों x की वैल्यूज हैं, यहाँ पे x भी लिखा हुआ है, कंटिन्यू x चल रहा है, और जब आगे जाकर जब दो पोर्शंस बनाएंगे तो अलग अलग हम x को लेट कर लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है इसलिए हमें इसके कितने रूट्स मिलेंगे, 2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14 / 2, मतलब एक आ गया 7, और दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा -6 / 2 = 6, तो ये आ जाएगा -3, मतलब 7 और -3 जो है ना ये दो रूट्स हैं, 7 और -3। तो मतलब कि यहाँ तो ये 7 और -3 बन जाए, या ये -3 और 7, अब इन दोनों में से कोई एक है इसका रूट। अब यहाँ पे देखिएगा 7 और -3, ये एंड वाला बल्कि देख लें, ये डी वाला ऑप्शन जो है ना ये राइट आंसर है, ठीक है। तो
ये रहा जी हमारा डी वाला ऑप्शन। नहीं जी हमारा दूसरा भी हो गया। अब आते हैं तीसरे एमसीक्यू के ऊपर। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। कहता है टू मेक, हमने बनानी है फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ कंप्लीट, ठीक है जी, स्क्वायर। हमने इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है, वी शुड ऐड, ठीक है जी। क्या चीज हम इसके अंदर ऐड करें कि इसका कंप्लीट स्क्वायर जो है वो मुकम्मल हो जाए। इस मकसद के लिए पहले तो देखते हैं कि उसने ऑप्शंस में क्या क्या बोला है। कहता है एक ऑप्शन है जिसमें कि 25 ऐड किया जा सके, बी ऑप्शन कहता है कि 25 डिवाइड बाय 4 है, और सी ऑप्शन में आता है कि 25 डिवाइड बाय 9, और डी ऑप्शन में है कि 25 डिवाइड बाय 16। तो अब इन सब में हमें देखना पड़ेगा, सोल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। पहली कंडीशन के मुताबिक जब कंप्लीट स्क्वायर किया जाता है तो एक्स स्क्वायर उसका 1 होना जरूरी है, वो ऑलरेडी 1 है, और कॉन्स्टेंट जो इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए, वो जो वो ऑलरेडी मौजूद ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला मुकम्मल इस तरह से करेंगे। देखो तो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्म बनाई थी कि हम यहाँ पे करते होते हैं ए स्क्वायर, ये माइनस पे है ना, माइनस 2ab+, ये जो बी स्क्वायर का इजाफा कर रहे हैं ना, ये वैल्यू हमने देखनी है, उधर भी हम करते होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमेशा ए जो है वो क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। बी की वैल्यू के लिए हमें ये जो है ना एक्स के साथ वाला कॉन्स्टेंट, इसका हाफ लेना, इसका मतलब है यहाँ बी में क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 2 और 5 डिवाइड बाय 2। और जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है टू मेक आई कंप्लीट स्क्वायर होने के, वी शुड ऐड, हम इसके अंदर 5 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो 5 5 25 2 2 4, ये हमारा आंसर होगा। 5 25 डिवाइड बाय 4 के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो इसका आंसर आ गया है हमारा ऑप्शन है जो है ना हमारा, हाँ ये ना अड़ गया कहीं, ऑप्शन आ गया हमारा बी, ठीक है जी। ये भी आप मार्क कर लें इसको, ओके। तो अब करते हैं नेक्स्ट वाला, है ना, 24 नंबर पे आता है जो क्वेश्चन। क्या कहता है जी, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 इज इक्वल टू 0 आर, ठीक है। इसमें कौन कौन से मतलब जो इसके फैक्टर बनते हैं, और वो फैक्टर अब हमने यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। और वो देखते हैं कि इसके आंसर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिर अपना आंसर भी देख लेंगे। एक है इसमें एक्स माइनस 4 एक ऑप्शन है, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3, बी ऑप्शन में आता है एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3, सी में आएगा एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3, और डी में आएगा एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3, ठीक है। ये चार ऑप्शन हैं, अब हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखना है, वो है एक्स, यहाँ पर हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 इक्वल टू 0। तो अब इसके अंदर हमें पहले निकालने हैं वो पेयर्स बनाने हैं, यानी ये फैक्टराइजेशन मेथड से होगा क्योंकि हमें पेयर्स चाहिए। तो सेवन किस किस टेबल पर हमें मिलता है, 2 6 12 2 3 6 हो गया, ठीक है, और 3 1 3। तो इसके फैक्टर एक तो होगा यहाँ पर 2 6 12 2 2 4 4 3 12 और 12 1 12 है, तो एक ही फैक्टर है, 4 और 3 7 बनते हैं, वरना तो 6 और 2 8। ये पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, पर यहाँ पर हमें दोनों नेगेटिव में चाहिए तो -4 कर देते हैं, -3 कर देते हैं, -7 में मिल जाएगा। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और चाहे आप 4 को पहले लिख लो 3 को पहले लिख लो कोई मसला नहीं है, मतलब मैं पहले -3x लिख देता हूँ, फिर -4x लिख देता हूँ, +12 लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर दो पेयर्स बनेंगे, ठीक है, तो इसमें से एक एक्स कॉमन आ गया तो एक्स -3 बन गया, इसमें से -4 कॉमन आ गया तो एक्स -+ हो गया, 4 3 12 इक्वल टू 0। दोनों की जो वैल्यू कॉमन आएगी वो है एक्स -3, बाकी बचेगा एक्स -4 इक्वल टू 0। एक एक्स -3 भी 0 के इक्वल हो जाएगी, एक एक्स -4 ये जो है ये भी 0 के इक्वल कर दिया, तो एक्स आ जाएगा 3
और एक एक्स आ जाएगा फोर। तो थ्री और फोर जो है ना ये हमारे क्वेश्चन की क्या है रूट्स हैं, थ्री एंड फोर, फोर या थ्री हो जाए या थ्री और फोर हो जाए। और दूसरी चीज ये जो ब्रैकेट अभी लगाई है ऐसी ब्रैकेटें नहीं लगती, इसको इसको कौन सी लगती है सेट वाली ब्रैकेट लगती है, ठीक है कर्ली ब्रेसेस। तो ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर थ्री और फोर। और बल्कि एक और काम यहाँ पर हमने किया कि हमने तो रूट्स निकाल दिए हैं, ठीक है हमें रूट्स नहीं निकालने थे, हमें बस सिर्फ क्या निकालने थे फैक्टर्स। तो फैक्टर ये निकले हुए हैं, ये देखिए ये फैक्टर है, यही पर हमारा आंसर है x माइनस थ्री और x माइनस फोर, ये दो फैक्टर है x माइनस फोर और x माइनस थ्री। ये देखिए b वाले में दोनों माइनस में है ना, यानी अगर यहाँ पर x माइनस फोर इंटू x माइनस थ्री भी लिख दिया जाए तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी ऑप्शन बी ही है, सही हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, मेरा ख्याल है ये समझ आ गई है आपको। और फाइव में आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ना, अब ये तो एक फॉर्मूला है, वो कहता है द क्वाड्रेटिक, ठीक है फॉर्मूला, यानी दो दर्जी मसावात का फॉर्मूला क्या है। अब जिसको फॉर्मूला याद होगा वो तो अच्छी तरह से समझ जाएगा ना कि यही फॉर्मूला है। जैसे कि ऑप्शन में देखें, ये बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी का स्केयर रूट, क्या ये फॉर्मूला है? नहीं ना, क्योंकि शुरू में क्या आता है माइनस भी आता है। बी वाले में देखें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर प्लस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, क्या ये फॉर्मूला है? ऊपर वाले में भी टू ए है था वैसे, क्या ये फॉर्मूला है? नहीं है ना, गौर से देखो, क्योंकि इसमें बी स्केयर प्लस फोर ए सी आ रहा है, वो भी गलत हो गया। अब ये वाला देखो सी में माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी का स्केयर रूट डिवाइड बाई टू ए, तो लिहाजा आपने बहुत एहतियात के साथ फॉर्मूला देखना है। ऑप्शन डी में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो भी देखें माइनस पी प्लस माइनस, और यहाँ पे देखें बी स्केयर प्लस फोर ए सी का स्क्वेयर रूट डिवाइड बाई टू ए। वैसे भी ये जो है ना ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी और सी डी जो है बिल्कुल बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, तो वैसे भी गलती आ रही है उसकी, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है माइनस पी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए, ये तो याद करने वाली चीज थी, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद आ जाते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पांचवा सवाल हो गया, छठे सवाल में आते हैं। छठा सवाल क्या कहता है देखिए, कहता है अ सेकंड डिग्री डिग्री इक्वेशन, सॉरी ये लिख देता हूँ, मैंने इसको इस करके दोबारा लिख, यानी कि एक दो दर्जी मसावात है, सेकेंड जो आपकी डिग्री है जिसकी मतलब पावर एक्स की जो है वो दो है, इक्वेशन इज नोन एज, ऐसी मसावातों को ऐसी इक्वेशंस को हम किस नाम से जानते हैं। और उसमें आप ऑप्शंस आ जाएंगे कि पहले नंबर पे उसने कहा है कि क्या ये लीनियर है, नहीं ना, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री है, इसका मतलब है एक्स की पावर दो होगी और लीनियर में एक्स की पावर वन होती है। उसके बाद बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक, ठीक है क्या ये क्वाड्रेटिक होगी? क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, इसमें हर सवाल ही दो दर्जी मसावात का है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर क्यूबिक, वो तो हो ही नहीं सकता जिसमें एक्स की पावर क्यूब होगी, तीन होगी फिर है। और डी इसमें ऑप्शन ई लिखा हुआ है वैसे गलती से, डी में आएगा यहाँ पर नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज या जो नॉन ऑफ दीज जो भी कहेंगे इसको, वो यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि इनमें से कोई भी नहीं है, तो गलत है ना, इनमें से एक आंसर है और वो ऑप्शन बी है। इसका जो राइट आंसर है, ये कलर ऊपर नीचे हो गया, चलो इसका राइट आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे, सेवन में क्वेश्चन में हमारे पास सवाल है फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस वन आर, ठीक है, और हमारे x क्यूब माइनस वन का फैक्टर क्या है, तो वो भी अभी देख लेते हैं। पहले तो ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन दिया है उसने x माइनस वन, क्योंकि ऑप्शन इससे फार्मूले लिखे हुए हैं ना बेसिकली, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है जी, ये आ गया दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है वो ये है x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये भी माइनस वन में है,
और ऑप्शन डी देखते हैं, वो क्या है जी, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर बेसिकली यूज होगा फॉर्मूला, ए हमारा जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं, हमारे पास एक एक्स है, एक्स का क्यूब है और वन का क्यूब समझ ले आप, तो ये हो जाएगा ना एक्स माइनस वन इंटू आ जाएगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स और वन और प्लस आ जाएगा वन का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब हमारी वैल्यू है वो क्या बनेगी, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा वाला है, बी ऑप्शन है, सही है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। 7 क्वेश्चन तक हो गए हमारे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखें जी, वो भी सवाल इस तरह का ही है कि टू मेक, हमने बनानी है एक जिनके 49x² प्लस 5x अ कंप्लीट, ठीक है जी, स्क्वायर, इसको भी हमने कंप्लीट मुरब्बा करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। और वो कहता है वी मस्ट ऐड, टाइम नहीं है ना इसलिए गंदा लिख रहा हूँ मैं इसमें, तो कंसीडर करना बस, आपने समझ रहे हैं इसको। और ऑप्शन ए, कलर चेंज करते हैं, ये डार्क कलर लेते हैं, ये तो नजर नहीं आएगा, तो ऑप्शन जो है ना मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि आखिर में इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। ए आपके पास है 5 / 14 का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन क्या है, 14 / 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और सी में कह रहा है जी 5/7 का होल स्क्वायर, और डी में बोल रहा है ये हमें 7/5, एक मिनट रुकिएगा जरा, वो कहता है जी यह है 7/5 का होल स्क्वायर। अब असल चीज तो हमें देखनी है कि इसका असल आंसर क्या है। देखिएगा, यह 49x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, और यहाँ पर अब इसका भी हमें क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो अगर यहाँ पर हमें मतलब इक्वल टू जीरो नहीं दिया गया, ठीक है ना, तो इस केस में इसी को हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इस सवाल को थोड़ा इस तरह करने के लिए देखेंगे, 7 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर और प्लस ये हो गया हमारा 5 और x, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली 7 और x का टोटल का होल स्क्वायर है और प्लस यहाँ पर क्या है 5 और x आ गया। अब तकमीले मुरब्बा के मुताबिक जरा देखिएगा फॉर्म, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर जो है ना ये देखिएगा, हम लिखते होते हैं a² प्लस में ये पॉजिटिव आ रहा है तो 2ab प्लस b². अब ऐड करने वाली वो चीज नहीं है, अब वो इधर ही ऐड करने, क्योंकि इक्वल के दूसरे को कुछ भी नहीं है ना, इक्वल ही नहीं है बेसिकली। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि a अब यहाँ पे रहेगा 7x, यहाँ भी रहेगा 7x और b में अब ये 5 का हाफ तो हमने ऐड करना ही है, ठीक है, 5 / 2 कितना हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा ना, ये बल्कि यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दिया, ये इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा 5/2। अब मसला यहाँ पे आ रहा है कि 5/2 लिखने के साथ साथ ये 7 भी हमें कम करना है, ठीक है, ये 7 जो उसके अंदर है, क्योंकि देखिए मुझे ऊपर वाली वैल्यू दोबारा बनानी है, 7x² ठीक है प्लस आ गया, ऊपर मुझे यहाँ पर बनाना है 5x, और 5x के लिए क्या करना है, देखिए 7 7 से कटेगा तो 5/2 भी कट जाएगा, 7 7 भी कट जाएगा, तो बाकी 5 आ जाएगा फिर से, ओके हो गया, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर 5/2, मतलब ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। अब ये होगा क्या कि ये देखिएगा हमने क्या चीज अजाफी ऐड की है, ये देखिएगा 2, ये a आ गया, ये बनेगी वैल्यू 5/14 प्लस इधर भी आ जाएगा 5/14 का होल स्क्वायर। तो हमारा एडिशनल जो चीज हमने ऐड किया वो क्या है, 5/14 का होल स्क्वायर, ये आंसर है, और इसमें 5/14 जो ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए में आंसर है, और बुक में भी देख लेते हैं, बिल्कुल जी 8 ही आपने मार्क किया हुआ बुक पे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन है मतलब के क्वेश्चन है 9 MCQs का। देखिए सवाल है, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, ठीक है, और आगे वो बोल रहा है विल बी, ये है विल बी अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ठीक है, ये खालिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इफ उस कंडीशन में कब होती है, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं उसमें। एक तो उसने बोला है कि व्हेन एल इज इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर उसने बोला है कि एम इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर सी ऑप्शन में है कि एन जीरो हो जाए कॉन्स्टेंट जो है, या डी में वो बोल रहा है बोथ बोथ ऑफ एल और एम जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाए। लेकिन यहाँ पे मसला आएगा पहले ऑप्शन में कि एल इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इट मीन कि एक्स स्क्वायर ही नहीं आया, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। ठीक है, पहली सिचुएशन के मुताबिक तो क्वाड्रेटिक ही नहीं होगी जब एल ही जीरो हो जाएगा। एल कौन सा, ये अगर जीरो हो गया तो हमारी ये फॉर्म क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। हाँ, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी जब एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू जीरो में जब एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये बनेगा एल जीरो। तो इस तरह की फॉर्म को हम क्या बोलेंगे कि ये होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त एक्स खत्म हो जाता है, एक्स स्क्वायर में आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आप दोनों रूट्स आसानी से जजर की मदद से निकाल लेते हैं, तो एन जो है वो कांस्टेंट है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और लास्ट में बोला कि एल और एम दोनों, ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम यानी एक्स के साथ वाला कांस्टेंट जब जीरो हो जाएगा, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू नहीं होगी, एक्स के और कांस्टेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इट मीन के ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना था, ये ओके हो गया। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर 9 हो गया, 10वां नंबर। ठीक है, वो कहता है इफ अगर इफ दी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है ना हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी क्वेश्चन की नेचर मालूम करनी होती है, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, और वो कह रहा है यहाँ पर इज नेगेटिव। ठीक है, और फिर वो कहता है द रूट्स आर, तो ये हमें कह रहा है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी में किसी भी इक्वेशन का डाटा पुट करते हैं और उससे हमें आंसर नेगेटिव मिलता है, माइनस में मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे रूट्स की क्या नेचर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें क्या वो रियल होगा, नहीं ना, रियल तो तब होगा जब वो जीरो होगा। नंबर दो पे वो कहता है क्या वो रैशनल होगा, नहीं, क्योंकि रैशनल तो तब बनेगा जब वो उस नंबर का जजर बनता होगा, लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है, तो अब बताएं कि तीसरे में क्या वो इरेशनल होगा, नहीं, ये इरेशनल भी नहीं होगा। इसका मतलब है पहले तीनों ऑप्शंस नहीं है, लेकिन डी में देखे उसने बोला इमेजिनरी, क्या वो इमेजिनरी होगा, बिल्कुल वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो जब भी हम बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी में कोई भी वैल्यू पुट करें और हमारा जो रूट्स का जो आंसर है वो माइनस में आ जाए, तो हम कहेंगे वो कौन सा है, उसकी नेचर है कि वो इमेजिनरी, जो हमारे मतलब कि उसकी कह सकते हैं कि नेचर है, द नेचर ऑफ द रूट्स विल बी इमेजिनरी, तो इसका मतलब वो नेगेटिव में है। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अभी 10 किया हमने, अब उसमें भी देखिएगा, वो कहता है इफ अगर वो सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक हो गया, वो जो होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम नेचर ऑफ द रूट डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, मतलब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी में रूट्स की वैल्यू, उसकी इक्वेशन की वैल्यू पुट करते हैं ए बी सी की, तो होता क्या है कि उसका जजर मुकम्मल बनता है, तो इट्स रूट्स विल बी, तो उसका रूट्स क्या होगा, ये अब हम नेचर में देखते हैं इसके ऑप्शंस में कि हमें आखिर कौन कौन से ऑप्शंस बताए हैं। पहले नंबर पे, अब अगले पेज पे जाता हूँ ना, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं पेज नेक्स्ट ओपन कर लूँ। अच्छा, पहले ऑप्शन में उसने बोला है, हाँ ठीक है, पहले नेचर में उसने बोला इमेजिनरी, तो क्या ये इमेजिनरी है, नहीं ना, हमने भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ये इमेजिनरी नहीं है, बल्कि क्योंकि नेगेटिव आ जाए तो हम कहते हैं कि वो है माइनस वाली वैल्यू इमेजिनरी है,
लेकिन इसने तो कहा कि उसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी वो 25 है ये 4 है, ये 4 आता है इसका जैसा 2 है, या वो आपका 16 है जिसका जैसा 4 है, ठीक है 9 आएगा तो जैसा 3 हो जाएगा, मतलब ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो वो इमेजिनरी नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं तो क्या वो रैशनल होगा, ठीक है क्या वो रैशनल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है ना, वो क्या होगा हमारा रैशनल होगा। ठीक, तो वो हमारा क्वेश्चन होगा रैशनल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बात की थी, अगर हम किसी भी क्वेश्चन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं उसका जजर बन जाता तो वो रैशनल है, ना बने तो इरैशनल है, माइनस में आ जाए तो वो इमेजिनरी है, जीरो हो जाए तो वो इक्वल है। तो अब ये है हमारा रैशनल, बाकी दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में है इक्वल, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसका आंसर जीरो नहीं है, और नंबर 4 डी पे आ गया जी इरैशनल, तो भाई ये इरैशनल नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो जजर बन रहा है, तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि ये है रैशनल। ठीक हो गया, तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 12 के ऊपर, फिर सेम देखें, अब ये सवाल कहता है यहाँ पर, ये थोड़ा चेंज किया इसने, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है जी, प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट हमने पढ़े हुए हैं ना, तो अब मैं सवाल लिख देता हूँ जरा, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ, जो रूट्स जो सवाल है वो है 2x² - 3x - 5 इज इक्वल टू 0 इज, ये है, और अब इसमें ये हमें सोल्व किए बगैर तो नहीं कर सकते, बाकी जो है ना मैं पहले इसको क्या करता हूँ यहाँ पर ऑप्शंस लिख लेता हूँ फिर हम इसको चेक करेंगे। देखिए जी ऑप्शन ए में कहता है क्या इसका आंसर ये होगा, यानी मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो जो तरीका कार है ना आपने पेपर में भी वैसे ही एज इट इज सोल्व करके आंसर शीट की बैक साइड पे, और फिर आपने आंसर ड्राइव करना है, ऐसे ही आपने तुक्का नहीं लगाना नहीं तो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये है 2x² - 3x - 5 = 0, अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला उससे पहले हमें डाटा लिख लेते हैं, ए 2 है, बी की वैल्यू है माइनस में 3 और सी भी है हमारे पास माइनस 5 है, तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है सी डिवाइड बाय ए, तो इसमें सी कितना है माइनस 5 और ए है 2, फिर आंसर क्या हो गया -5/2, यानी ए आंसर है बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ले जी क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, अब आ जाते हैं 13 की तरफ, ठीक है जी, तो अब ये इतने इजी सवाल है कि आप इनको सोल्व भी कर सकते हैं, और पेपर में इनमें से आपके 3 ऑप्शंस तो अप्रोक्सीमेटली होंगे, ठीक है, तो सवाल आ गया द सम ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ जो क्वेश्चन है वो है 2x² - 3x - 5 = 0 इज, इस क्वेश्चन के भी हमारे पास जो रूट्स है मैं वो लिखने लगा हूँ, ठीक है, ताकि हमें ये चीज भी अंडरस्टैंड हो जाए। तो देखिएगा पहला ऑप्शन, पहले मैं ऑप्शन लिखने लगा हूँ, एक पहला है a -3/2, बी है 3/2, सी ऑप्शन है 2/3 एंड डी ऑप्शन -2/3। अब हम चेक करेंगे अपने क्वेश्चन को, ठीक है, और उसमें वैल्यू फिर पुट कर लेंगे। नहीं जी क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5 = 0 और इसमें a इज इक्वल टू है 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -5। आई थिंक ये वाला पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, क्वेश्चन सेम लिखी हुई है, बस सम और प्रोडक्ट निकलवाया है, तो इसमें हमारा प्रोडक्ट पहले हमने प्रूव किया था ना, अब हमने सम प्रूव करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सम का फॉर्मूला होता है -b/a, तो माइनस में है तो ऑलरेडी b भी माइनस में ही आ रहा है, ठीक है, और a 2 है, तो इस तरह ये हो जाएगा -3/2, तो ऑप्शन कौन सा होगा b, एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन जो है ना इसका ऑप्शन b राइट आंसर है, सही हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो है क्वेश्चन 13 भी हो गया, 14 ऑप्शन के ऊपर जा रहा हूँ मैं। देखिएगा क्वेश्चन है इफ 2 एंड ठीक है -5 आर the roots of the equation, ठीक है, साथ ही इसने कहा है then the equations is, ठीक है, और यहां अब हमें देखना है
कि ये जो दो रूट्स हैं इसके सवाल क्या बन सकते हैं। ऑप्शन में उसने एक सवाल ये बनाया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x+10=0। दूसरा उसने बी वाले में बोलता है कि एक्स स्क्वायर -3x -10=0। सी ऑप्शन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10=0। एंड डी ऑप्शन जो है वो है 2x² -5x ठीक है +1=0। अब इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमें नहीं, डी नहीं, हमें देखना पड़ेगा ना, डी नहीं। आपको करना क्या है, आपको पहले सवाल में देखना है फर्स्ट अल्फा और सेकंड क्या है। तो अल्फा हो गया 2 पॉजिटिव में, और जो बीटा है वो कितना आ गया -5। तो पता ना आपको, हम पहले सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। सम इसका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ना, मतलब 2 और +5 किया तो माइनस ही हो जाएगा, तो -3 आ गया। प्रोडक्ट निकालना तो हो जाएगा अल्फा इनटू बीटा, तो 2 इनटू -5 किया तो 2 5 10 हो गया। दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अब हमने वो फॉर्मूला लिखा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो यहां पर s और p की जस्ट वैल्यू पुट करनी है, यानी कि x स्क्वायर माइनस सम कितना है -3 है ना इनटू x, और प्रोडक्ट कितना है -10=0। तो देखिएगा x स्क्वायर प्लस 3x -10=0। तो यहां पर जो हमारा आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन c हो गया। तो अब जब तक हम देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो जवाब को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। सही हो गया, क्वेश्चन 14 मुकम्मल हो चुका है। सही है, ओके, समझ भी आ गई है, ओके हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। देखिए सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि प्लस माइनस में 3 लिख दिया है। ठीक है, कहता है इफ पॉजिटिव नेगेटिव 3 आर दी रूट्स, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। इसी एक मसावाद के दो रूट्स दिए गए हैं, देन इक्वेशन इज, जो इसकी इक्वेशन यानी मसावाद होगी वो अब हमें देखनी है। फिर से मैं वही काम करने वाला हूँ, ठीक है, प्रीवियस काम जो हमने किया था। पहले मैं ऑप्शन लिख दूं कि मसावाद कौन कौन सी है। ए में है एक्स स्क्वेयर -3=0, बी में हमारे पास है एक्स स्क्वेयर -9=0, ठीक है, और सी में है जी एक्स स्क्वेयर +3=0, एंड ऑल्सो डेट जो लास्ट वाली डी वो है एक्स स्क्वेयर +9=0। अब वही चीज है कि पहले हमने अल्फा और बीटा ड्राइव करनी है। देखें अल्फा इज इक्वल टू है +3 एंड बीटा इज इक्वल टू है -3। पॉजिटिव का साइन डालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आप पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लिखना चाह रहे हैं तो फिर प्लस माइनस लिखना है। ये नहीं मैं करूंगा, मैं अकेला माइनस रहने दूंगा वो क्या डिक्लेयर करेगा, वो तो माइनस हो जाएगा फिर। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जब इकट्ठा लिखना है तो फिर पॉजिटिव का साइन भी लिखा जाता है। इसलिए मैंने दोनों रूट्स बना लिए। इसका सम देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मतलब +3 -3 का हो जाएगा 0, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जी अल्फा इनटू बीटा। तो ये देखिएगा +3 एंड -3 इक्वल टू नेगेटिव में 9 आ जाएगा। अब हमने वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके। मैं पहले थोड़ा मेरा ख्याल डिफरेंट मेथड करवा दिया है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप उसके अंदर ना लिखें, आप अलग से सम और प्रोडक्ट निकाल के वैल्यू को पुट कर लें। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस सम, कितना हमारे पास, सम हमारे पास 0x है देख लीजिए, और प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है माइनस में 9 इक्वल टू 0। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर ये तो हो गया माइनस में 0x और माइनस 9 इक्वल टू 0, तो 0x तो खत्म हो गया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सही हो गया जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 15 हमारा मुकम्मल हो गया है, और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिएगा सवाल कहता है कि इफ जो सम के लिए सिंबल जो ड्राइव किया है वो एस है, तो कहता है इफ एस इज द, ठीक है, सम एंड, ठीक है, और जो पी है कैपिटल में जो ड्राइव हो रहे हैं, पी जो है वो इज दी क्या कहता है, प्रोडक्ट, बट किसके हैं ये आगे वो बता देगा हमें, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो रूट्स के हैं, देन इक्वेशन इज, मतलब इसके अंदर से सम और प्रोडक्ट की हेल्प से हमने ना
वो जो आप पता ना आपको हम फार्मूला एक यूज करते आ रहे हैं मसावत बनाने के लिए कि अगर हमें दो रूट्स दे दिए जाए सम और प्रोडक्ट के हिसाब से, हम जो अल्फा और बीटा निकालते हैं उनके हिसाब से हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है। तो ऑप्शन देखिएगा, क्या ये पहली ऑप्शन हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, क्या ये हो सकती है? या फिर बी वाली देखें, एक्स स्क्वायर प्लस सम एक्स माइनस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, या फिर सी में देखें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो सकती है, या डी में है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स माइनस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। तो याद रखिएगा, हमेशा आपने याद रखना है सम के साथ माइनस होगा, बाकी सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमेशा आपने याद रखनी है चीज। उसके बाद आ जाएगी आगे क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन में कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आर। ठीक है, और ये नेचर जानना चाह रहा है इस सवाल की, और उसने यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पर कि ये क्या ये इक्वल होगा, बी में आता है कि क्या ये इरेशनल है, या ऑप्शन सी इमेजिनरी, या फिर लास्ट ऑप्शन डी जो है ये रैशनल है। ठीक है जी, तो पहला काम हमने क्या करना है, इसकी नेचर चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगेगा, पता है आपको? ठीक है ना, तो अब जब पे डाटा क्या है जी, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू भी वन, और सी इज इक्वल टू माइनस वन, तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी के फॉर्मूले को चूज किया नेचर जानने के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा वर्ग स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन। तो ये देखिएगा, वन माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर बंदा फोर, आया क्या फाइव। क्या फाइव का जजा खत्म हो सकता है? नहीं, तो फिर इसकी नेचर क्या होगी? तो रूट्स विल बी इरेशनल, क्या ख्याल है? ठीक है, अगर जजर ना खत्म हो तो फिर रूट्स होता है इरेशनल। ऑप्शन बी हमारा आंसर है इसका, सही हो गया। नहीं जी, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऑलमोस्ट बस दो तीन रह गए हैं और ये पहला एक चैप्टर हमारा जो है वो खत्म होने वाला है। तो ठीक है, वैसे भी ठीक है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। सवाल आता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन एक स्टेटमेंट आई थिंक देगा, देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट NANT, ठीक है, ANT स्पेलिंग मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ क्योंकि गलत लग रहे हैं, डिस्क्रिमी NANT। ठीक है जी, तो वो कहता है जी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन इक्वेशन इज जीरो। ठीक है जी, कि वो अगर वो आपकी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में वैल्यू पुट की जाए ए बी सी की किसी इक्वेशन की, तो आंसर क्या आ जाए? जीरो। कहता है देन द रूट्स विल बी, तो हमारे रूट्स क्या होंगे? तो अब मुझे इसके भी ऑप्शन लिखने हैं, मैं पहले ऑप्शन लिखता हूँ कि वैसे तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, और इसका ऑप्शन ए है कि क्या ये इमेजिनरी होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इमेजिनरी तो तब होता है जब ये माइनस में आता है। क्या ये रियल होगा? क्या ये रियल होगा? रियल तो होगा, सिर्फ रियल ही होगा, या ये इक्वल होगा, सोचो क्या होगा, या फिर ये इरेशनल होगा, अब बताएं। मैंने बताया था आपको कि अगर आप बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी में किसी भी क्वेश्चन के कंपोनेंट्स ए बी सी पुट कर देते हैं और आपका आंसर जीरो आता है, सो हम कहते हैं रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, लेकिन असल नेचर इसकी क्या है? इक्वल। अगर जीरो आ जाए तो इक्वल है, अगर जजर बनता है जैसे दो आ जाए, नौ आ जाए, 16 हो जाए, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसका जजर स्क्वायर रूट कटता है, तो वो हो जाएगी रैशनल। लेकिन अगर उसका जजर ही नहीं कट सकता, जैसे वो आ गया 3 आ गया है, या इसके अंदर 5 आ गया है, तो वो हो जाएगी इरेशनल। लेकिन अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो होगी आपकी, बताएं, इमेजिनरी। तो
अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसमें वैल्यू पुट की और आंसर आ गया जीरो, तो रूट्स होगा हमारा इक्वल, ठीक है, रूट्स होगा इक्वल, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी, इक्वल राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये दो सवाल कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा, तो आपने अच्छी तरह से देखना है कि सम ऑफ दी रूट्स, एक मिनट रुकिएगा, द सम ऑफ दी रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए ओरिजिनल फार्मूले में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है ना, तो यहाँ पे क्या है माइनस में, बस ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं उसने क्या क्या आंसर दिए हैं, देखिएगा ये ए का आंसर आ गया, ये बी है ऑप्शन, ऑप्शन सी आ गया, एंड ये रहा जी ऑप्शन डी। तो अब मुझे बताएं ऑप्शन ए बी सी डी में ये कौन सा हो सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा लेट करेंगे, हमारा ए किसके इक्वल है, ए के, बी किसके इक्वल है, माइनस बी के, सी किसके है, सी के, इसका मतलब है ये ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है, और फॉर्मूला सम का क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, और बी तो ऑलरेडी खुद भी माइनस में आ रहा है, तो हम यहाँ पर करेंगे बी की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में बी ओवर ए। ठीक है, तो फिर आंसर कौन सा होगा हमारा, कौन सा वाला, डी, ठीक हो गया जी, डी राइट आंसर आ गया। अब लास्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, इसका लास्ट जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, और यहाँ पर इसके जो ऑप्शंस हैं देखिएगा, ए ऑप्शन है सी ओवर ए, ऑप्शन बी है यहाँ पर माइनस सी डिवाइड बाय ए, और उसके बाद ऑप्शन सी जो है वो है ए डिवाइड बाय बी, और ऑप्शन डी जो है वो है माइनस ए डिवाइड बाय बी। अब इन चारों ऑप्शन में मैं इसलिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा, तो इन चार ऑप्शंस के हमने जिनकी यहाँ पर जानना है इसके बारे में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं, डाटा देखेंगे, ए किसके इक्वल है, ए के, बी किसके इक्वल है, बी के ही है, सी माइनस सी के, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइड बाय ए, तो हमारी वैल्यू तो माइनस में है, तो वो माइनस सी डिवाइड बाय ए हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन इसका है बी, ये हमारे यहाँ तक चैप्टर वन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये आपको समझ भी आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया जी चैप्टर नंबर वन, मैथ 1 2 3 हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर टू अब शुरू करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक हो गया। चले जी, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर टू, बाइनोमियल थ्योरम के जो है ना वो हमने करने हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ले जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो पहले मैं पेज ओपन कर लूँ, ये है आपका बुक का पेज नंबर 47 है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड टर्म, देखिए टर्म्स का पता है ना आपको, तो ये वो है थर्ड टर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर 4 इज, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसकी जो थर्ड टर्म है वो क्या हो सकती है, तो पहले हमें ऑप्शन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और हमारा ऑप्शन ए है 4x² y², ऑप्शन बी है 4x³ y², सी में है जी 6x² y² एंड ऑप्शन डी 6x³ y। और अब हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, अब आप ये देखें, सबसे पहले आपके पास है x प्लस वाई की पावर 4, आपने करना है इसको एक्सपेंड, तो तीसरी टर्म निकालनी है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4c 0 आ गया, a की पावर क्या हो जाएगी मैक्सिमम, b की पावर 0 प्लस 4c 1, ये सेकंड टर्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसकी पावर होगी 3 और y की पावर 1 प्लस 4c 2,
तो पता है आपको ये इसकी सेकेंड थर्ड टर्म है, ठीक है। और एक्स की पावर कितनी होगी, फोर वाई की, सॉरी फोर नहीं होगी, कितनी होगी, कम होनी है, कितनी होगी फिर, जाएगी। टू हो जाएगी, ठीक है। और वाई की पावर आ जाएगी यहाँ पर टू। तो हमने यहाँ पर जो है ये टर्म देखनी है, और इस टर्म को हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। बाकी टर्म तो आपने छोड़ देनी है, सिर्फ तीसरी टर्म पे वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है, उसी का आंसर लिखा हुआ है। तो देखिए 4c2 होता है 6। अभी हम इसको चेक अच्छा करके देखते हैं। आपको शो हो रही है स्क्रीन, ठीक है आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने निकालनी है 4 shift, और यहाँ पर जो है ना NCR ये, और इसको हमने निकालना है जी 2 पे। देखिएगा 6 आ गया, ठीक हो गया। इसका मतलब है 4c2 हो गया 6, x का क्या आ गया स्क्वायर, y का भी आ गया स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया थर्ड टर्म के अंदर। ये है पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये है थर्ड टर्म, तीसरी टर्म, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6x2y2, यानी ऑप्शन सी। मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज समझ गई आ गई होगी। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कितने हैं, इसके भी ऑप्शन 18 के करीब है, अच्छे खासे हैं इसके भी। तो कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। सवाल देखिएगा, कहते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी, इन द एक्सपेंशन, और वो हमारे पास सवाल है ए प्लस बी की पावर 13 r। और अब इसके ऑप्शन देखते हैं, और फिर मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक है वो बता दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। ए में है जी 12, बी में 13, सी के अंदर है कि जी क्या 14, या डी में क्या 15 होंगी। सवाल समझिएगा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ए प्लस बी की पावर 13 r। वो कहता है ए प्लस बी की पावर 13 के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। देखें आपने टर्म्स निकालनी है, तो वो आपने पढ़ा हुआ है आर प्लस वन इक्वल टू, उसके बराबर रखते होते हैं हम जो ऊपर पावर होती है, एन इज इक्वल टू जो भी है। तो इसका मतलब है कि अगर नंबर 13 है तो टर्म्स टोटल कितनी होंगी, 14, जीरो से शुरू होती है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि अगर n इज इक्वल टू 13 है, सो टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस वन, यानी 13 प्लस वन हो जाएंगी, 14 टर्म्स बनेंगी। अगर लेट्स सपोज मैं आपको कहूं कि n हमारा 10 है, तो टर्म्स कितनी होंगी बताएं। लेट्स सपोज अगर n इज इक्वल टू, जो पावर जो है n वो 10 है, तो टर्म्स कितनी हुई, 11। बस मैं ये जानना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि हमेशा टर्म्स जो है वो नंबर से एक डिजिट ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये वाला भी मुकम्मल हो गया सवाल, और इसका आंसर ऑप्शन सी है कि अगर हमारी एक्सप्रेस एक्सपेंशन ए प्लस बी की पावर अगर 13 है, तो नंबर्स कितने होंगे उसकी, टर्म्स की 14 हो जाएंगी। सवाल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर सवाल आता है जी द वैल्यू, ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ एन सी आर इज। अब यहां पर ये हमने देखना है, अब मैं आपको बात बताता हूँ कि एन सी आर जो है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब कोई पावर है ना उसकी। तो ऑप्शन देखिएगा, ए में है एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल और इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ऑप्शन बी में है यहाँ पर एन डिवाइड बाय आर इंटू एन माइनस आर, और सी में क्या है जी एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। अब इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला एक बार आपको याद रखना है। और डी में क्या आता है, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो बस आपने ये चीज रखनी है जो जेहन में, कि इसमें अगर आप एन सी आर निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, एन सी आर की वैल्यू जो है वो एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। इस मेथड से आप एन सी आर जो है वो फैक्टोरियल के जरिए से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला। बस आपने याद रखना है इसका ओरिजिनल आंसर ये वाला है, जिसमें
एन माइनस आर, और आर का फैक्टोरियल भी हो, एन का भी फैक्टोरियल, ठीक है, यानी एन का फैक्टोरियल डिवाइड में आर का फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, और वो भी एन माइनस आर। ऑप्शन ये अभी कौन सा किया हमने, तीसरा, सवाल नंबर फोर है इसके अंदर। ऑप्शन जो है कि द सेकंड लास्ट, ठीक है, टर्म, सेकंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, अगर कोई चार टर्म्स वाली है तो उसकी तीसरी टर्म होगी सेकंड लास्ट ना, यानी लास्ट से पहले वाली होगी, तो सेकंड लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और वो है ए प्लस बी की पावर सेवन इज, ठीक है जी। अब इसकी हमने जो है ना सेकंड लास्ट टर्म देखनी है कि वो क्या हो सकती है, ठीक है, तो अब पहले तो इसकी टर्म बनाएंगे भी, और यहां पर हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या वैल्यूज हैं। ए में है जी सेवन, ए की सिक्स बी, बी ऑप्शन है सेवन ए की बी पावर सिक्स, और सी आ गया जहाँ पे सेवन इंटू बी की पावर जो है सेवन है, और डी ऑप्शन जो है वो फिफ्टीन है, ठीक है। तो अब पहले इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए जी हमारे पास एक्सपेंशन है ए प्लस बी की पावर सेवन, तो ए की पावर मैक्सिमम बी की पावर माइनस कर रहे होते हैं ना, एनसीआर लगा ले या कोई भी मेथड कर ले आपने, आखिर सोल्व तो उसी मेथड से होता है। अगर मैं कर दूं जी सेवन सी जीरो, ए की सेवन बी की जीरो, ऐसे ही है ना, सेवन सी वन, तो इस तरह करते करते लास्ट में जाकर जो एक वैल्यू बनती है, अगर ये मैं पूरा ना भी सोल्व करूं, तो अगर हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर सातवीं टर्म को डायरेक्ट, तो क्या करते होते हैं सेवन सी सिक्स होता है ना सेकंड लास्ट, क्योंकि उससे लास्ट वाली जो सेवन सी सेवन है उसे पीछे वाली है सेवन सी सिक्स, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, वो आपकी वन होगी, ठीक है, और बी की पावर होगी सिक्स, ठीक है, ए की पावर हो जाएगी आपकी वन, क्योंकि आपने सेवन में से सिक्स माइनस किया तो कितने बचे एक, और नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको बताई भी हुई है ये, तो सेवन सी सिक्स की वैल्यू अब हमें जाननी है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे सेवन सी सिक्स, ये कितना होगा सेवन ही होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगी सेवन ए बी की पावर सिक्स, तो यहाँ पर देखिएगा आंसर कौन सा है, बी है ना, ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है, ठीक हो गया, तो ऑप्शन बी है आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे करना है जी क्वेश्चन नंबर जो है ना फाइव, ठीक है, तो क्वेश्चन फाइव में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है सिक्स सी फोर विल हैव, ठीक है, जो मतलब वैल्यू रखता है, विल हैव दी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है, ये आप किससे निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं ना इजीली, तो कैलकुलेटर से निकाल लें, और अगर कैलकुलेटर नहीं है तो वो तरीका भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन क्या है, एक तो वो कहता है क्या इसका आंसर 10 है, बी में कह रहा है क्या इसका आंसर 15 है, सी में इसका आंसर क्या 20 है, या फिर डी ऑप्शन 25, तो दोनों तरीके हम करके देखेंगे, पहले हम इसको कैलकुलेटर से जो है ना वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा हम क्या निकालना चाह रहे हैं, 64, हम यहाँ पे लिखेंगे 6 शिफ्ट, और ये एसी का बटन मेरे पास जो मतलब सॉरी ये डिवाइड का बटन था, मैं फिर से लिख रहा हूँ 6 शिफ्ट और ये डिवाइड का बटन, तो सी आ जाएगा और 4, तो ये आ जाएगा 15, इसका मतलब है ऑप्शन बी आना चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन बी आना चाहिए, तो हम मैनुअल भी देख लेते हैं। 64 निकालने का तरीका ऐसे है कि नीचे कितने डिजिट हैं, नीचे 4 लिखा हुआ है ना, तो आप ऊपर नीचे पहले कर लेते हैं 4, 3, 2 और 1 से पीछे तो जाएगा नहीं, ऊपर आपने उतना ही बैक जाना चाहिए, 6 है 4 के नहीं ऊपर, 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 5, 2 के ऊपर 4 और 1 के ऊपर 3, इस तरह देखेंगे कि 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 2 की वैल्यू 6 से, 2 3 6 और 5 3 का कितना हो जाएगा 15, तब भी हमारा आंसर देखिए वही आ रहा है ना, आप इस तरह भी करके पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, अगर विल फंड्स आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या वर्क नहीं कर रहा तो ऑप्शन बी जो है वो आप इस तरह एनसीआर निकाल सकते हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ तक हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करना है हमने क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि हमने निकालना है 3C0, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे देखिएगा क्योंकि इसको मैं मैन्युअली सॉल्व नहीं करवा सकता, और बहरहाल एक बात बता देता हूँ आपको,
कोई भी वैल्यू जो के एनसीआर के अंदर जीरो के साथ हो, जैसे 4C0 हो चाहे 3C0 हो, वन ही रहेगी। क्या रहेगी? वन। तो अब ऑप्शन देखें और उसमें अपने जो करेक्ट आंसर का इंतखाब करना है। क्या ये जीरो होगी? नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन बी में क्या वन होगी? एग्जैक्टली। सी में है कि टू होगी? नो। डी में, अब एक बार आंसर आ चुका हुआ है तो फिर करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी यानी वन, ये एक ही होगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट नंबर 7 के ऊपर। यहां तक भी आपको समझ आ गई है? ओके। अब आ जाएगा यहां पर इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के अंदर वो है आपकी ए प्लस बी की पावर एन, द जनरल टर्म। ठीक है जी, द जनरल टर्म इज, तो हमने देखनी है कि इसकी जनरल टर्म क्या होती है। ठीक है, तो पता है ना आपको कि हम एनसीआर के अंदर एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या यूज करते हैं। अब ऑप्शन लिखूंगा तो आप उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। पहला कहता है क्या, एनसीआर ए की पावर आर और बी की पावर आर होती है जनरल टर्म्स। दूसरा वो कहता है बी में एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ठीक है, और सी में क्या एन डिवाइड बाय आर माइनस वन। या मैं एक काम करता हूँ, बाकी ऑप्शन नीचे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी एक एक्सप्लेनेशन भी देनी है। सी ऑप्शन में देखिएगा कि क्या एन डिवाइड बाय आर माइनस वन, ठीक है, और ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन और बी की पावर आर माइनस वन। क्या अभी तक हमने किसी सवाल में ऐसा फार्मूला देखा है? नहीं ना, ये तो बस वाहियात फार्मूला आ गया ना, ऐसा फार्मूला नहीं होता, तो कंफ्यूज किया हुआ है। लास्ट वाले में देखें एन सी आर ए की पावर में भी एन माइनस आर माइनस वन वाला क्या कॉन्सेप्ट है, और बी में भी आर माइनस वन। तो यहां मैं अब एक टर्म का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जनरल टर्म्स का जिक्र है। आपने पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ये देखा आपने, जनरल टर्म्स, जनरल टर्म इसको बोलते हैं। और आपको याद आ जाएगा फॉर्मूला, देखें टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। क्लियर हो गया? अब इसमें आंसर कौन सा है बताएं मुझे फटाफट, बताएं। बी वाला, क्योंकि देखिए एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ये वाली वैल्यू है जनरल टर्म की। टी आर प्लस वन तो टर्म है, आगे फार्मूला लिखा हुआ था। तो क्यों हो गया? ऑप्शन इसका है बी। उसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सवाल नंबर 8 है, क्वेश्चन 8 है कि इन दी एक्सपेंशन, अभी तक तो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं हमें, ठीक है, ऑफ ए प्लस बी की पावर एन, द टर्म जो हमारी है, ठीक है, जो एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, यही फार्मूला पड़ा हुआ है ना। उसके बाद उसने बोला है कि जी विल बी, सॉरी एक मिनट मैं इसको जरा ठीक लिख दूं, कहता है जी विल बी ये होगी। और ऑप्शन यहां पर देखेंगे, और पहले जो फॉर्मूला लिखा था मुझे वो दोबारा आपको एक्सप्लेन करना है। ऑप्शन ए में क्या ये एंथ टर्म है? नहीं ना। उसके बाद ऑप्शन बी क्या ये आर्थ टर्म है? एक मिनट रुकिएगा जरा, ऑप्शन बी क्या ये आर्थ, आर्थ टर्म तो होती नहीं है ना। उसके बाद ऑप्शन सी क्या आर प्लस वन टर्म है? सही है ना, ये चीज बतानी थी आपको, ये वाकई आर्थ आर प्लस वन टर्म होती है। और वो आपको फार्मूला जैसे अभी पीछे पढ़ा ना हमने, वो डिक्लेयर करता है, या फिर नॉन ऑफ दीज में से कोई भी नहीं, ऐसा तो नहीं है, एक आंसर तो है। और वो आंसर क्या है वो भी फार्मूला बताएगा कि हम लिखते होते थे ये वाली वैल्यू, जैसे देखे हम लिखते थे यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा, इसमें लिख रहे थे, ठीक है, हमने लिखा था ना टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर, ठीक है, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। तो जरा देखे ये वाली चीज यही लिखी हुई है ना, तो ये जो टर्म है अभी, ये कौन सी टर्म है? आर प्लस वन वाली टर्म है। ठीक है, तो ये आर प्लस वन वाली टर्म होती है। इसका मतलब है कि अगर आर की कोई भी वैल्यू आ जाए उसमें हमें प्लस वन करना ही होता है तो हमें वो टर्म मिलती है। तो अब सी, ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन 8
थोड़ा टाइम लगा, हमने थोड़ा खुद ही लगा दिया टाइम, लेकिन हमें ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, कहता है इन दी एक्सपेंशन, ठीक है जी, ऑफ ए प्लस बी की पावर है एन, साथ ही कह रहा है एंड दी सॉरी दी कहता है कि आर्थ टर्म इज। अब ये एक अलग फॉर्म है, ऐसे सवाल तो हमने नहीं किए बहरहाल, लेकिन इसकी जो फॉर्म जो शक्ल जो फॉर्मूला होगा वो आपको ऑप्शन में ही मिल जाएगा, और आपको सिर्फ वो रिमाइंड रखना है। पहले तो ऑप्शन ए देखें, वो कहता है सी, उसमें नीचे आर है ऊपर एन है, ठीक है, ए की पावर आर और बी की पावर आर। ऑप्शन बी, ये भी सी आर आ गया, रेंज ऊपर एन, आपको बस एक शक्ल जो है ना वो जेहन में रखनी है। इसमें हमने इस तरह के सवाल नहीं देखे, लेकिन हम फार्मूले को सिर्फ रिमाइंड करेंगे, जेहन में बिठाएंगे कि वो आखिर कैसा दिखता है। तो मैं जो फार्मूला लिखने लगा हूँ ना, वो वाला फार्मूला है। ऑप्शन सी जो है ना वो आपने देखना है। देखिएगा, सी नीचे आर है ऊपर एन है, ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन है, ठीक है, और बी की पावर आर माइनस वन है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है, बस ये वाला फार्मूला, कौन सा, ऑप्शन सी वाला, बाकी आपने नहीं देखने, ठीक है। बाकी फार्मूले मैं पूरे लिख दिए मैंने, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपने रिमाइंड रखना है ऑप्शन सी को, ठीक है, ये बस आपने याद रखना है। इसका आंसर है ये, मैं एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और वैसे भी ये हमारे लिए सिर्फ फार्मूला ही जानना जरूरी है, क्योंकि तो हमने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी नहीं करना, तो इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑप्शन आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है जी, तो एक मिनट रुकिएगा, भुगतान कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आता है जी इन दी एक्सपेंशन, ठीक है, एक मिनट जरा दीजिएगा, हाँ ठीक है, मैं कह ये ना हो के रिकॉर्डिंग में आवाज ही ना हो तो वो कहता है इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर क्या है n, ठीक है, और साथ ही कहता है द कोफिशियंट ऑफ थ्री सॉरी थर्ड टर्म, ठीक है, द कोफिशियंट ऑफ थर्ड टर्म इज, इसकी जो तीसरी टर्म है ना, एक मिनट रुकिएगा जरा, ये कहाँ से आ गया, मैं कैंसिल कर, हमने इसकी थर्ड टर्म देखनी है, और मैं इसकी जो है ना ऑप्शंस लिखता हूँ यहाँ पे। जो ऑप्शन ए है, ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पर एन सी जीरो, अभी आपको समझ आ जाएगी, ये बहुत इजी बात हो रही है, एन सी वन सी में आ जाएगा, एन सी टू, ठीक है जी, और डी में आ जाएगा एन सी थ्री। अब बात क्या कर रहा था, वो कहता है कि इन दी एक्सपेंशन ए प्लस एक्स की पावर एन में थर्ड टर्म कौन सी होगी, ठीक है, तो अब वो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि वो कौन सी हो सकती है, ठीक है, तो मैं आपको बनाकर बताता हूँ। देखें, अगर ए प्लस एक्स की पावर एन है, सपोज एन पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, एन सी एन तक ये चलता जाएगा मसलसल, अगर सी आर में भी देखें तो देखें एन सी जीरो, ए की पावर एन, बी एक्स की पावर क्या होगी, जीरो, ये पहली टर्म है ना, ठीक है, दूसरी टर्म देखें, ये दूसरी टर्म है, ये हो जाएगी एन माइनस वन, और ये एक्स की हो जाएगी वन, और फिर ये देखें एन सी टू, ये कौन सी टर्म है, हमें ये बाकी चीजों से गर्ज नहीं है, ठीक है, हमें गर्ज किस चीज से है, ये तीसरी टर्म के इस फैक्टर से, क्या है वो, एन सी टू, तो जो एन सी टू वाला ऑप्शन है वो कौन सी टर्म है, तीसरी टर्म है, और ये सी इसका आंसर होना है, ठीक है, उसने भी बोला कौन सी टर्म थर्ड टर्म, तो देखिए एन सी जीरो पहली टर्म है, एन सी वन कितनी है, दूसरी टर्म, एन सी टू कौन सी है, तीसरी टर्म है तो टर्म्स आपको मैंने पहले भी बताई थी कि एक ज्यादा होती है नंबर से हमेशा, ये वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है, और वह कहता है इन दी एक्सपेंशन ऑफ, ये है ए एक्स प्लस बी की पावर, ए एक्स नहीं है इसमें सॉरी, ये है ए प्लस बी की पावर, एक मिनट रेजर करना था तो इसने हाईलाइट कर दिया, और ये क्या हो रहा है, ठीक है,
अच्छा जी, अब लिखते हैं। ओके, तो एक्सपेंशन है ए प्लस बी की पावर एन है, द सम ऑफ, आगे वो कह रहा है द सम ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नहीं है लफ्ज, एक्सपोनेंट है, ठीक है, कुवत यानी उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी और इन एनी, हाँ इन एनी टर्म इज, इन एनी टर्म इज, ठीक है। तो यहां पर हमें ये देखनी है पहले ऑप्शन और फिर इसका आंसर देखते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। एक ऑप्शन है यहाँ पर कि एन है, बी ऑप्शन में आता है एन माइनस वन, सी ऑप्शन में है एन प्लस वन और ऑप्शन डी है नोन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या कहेंगे आप इस पे? एन होगी ना बेसिकली, द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड बी इन एनी टर्म इज, वो एन है, वो टर्म कौन सी है, एन है, पावर के लिहाज से है, उसकी टर्म है एन। तो उसके बाद अब आ जाएगा आगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12, क्वेश्चन 12 कहता है द मिडिल टर्म, ठीक है, द मिडिल टर्म इन दी इन दी एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर 6 इज, ठीक है जी, इसकी हमें क्या करनी है, मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है। तो अब पहले ऑप्शन भी लिख लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सवाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। ए में है इसका 15 ए की 4, ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, और लास्ट आ गया ऑप्शन डी। अब हम इसको चेक करके देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिएगा यहाँ पर है ए प्लस बी की पावर 6, यहाँ पे देखें ए इज इक्वल टू, वो वैल्यूज लिखते होते थे हम, याद है आपको, ए और बी की और एन की, है ना, ए इज इक्वल टू ए ही है, बी इज इक्वल टू बी ही है, एन इज इक्वल टू 6 है, बट हमें चाहिए यहाँ पर कौन सी पावर चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए ना। तो एक तो केस कौन सा लग रहा है, इवन है, एक इवन ओड वाला कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर आर प्लस वन इज इक्वल टू, पता है आपको कि एन डिवाइड बाय टू और प्लस वन करते होते हैं, याद होगा आपको, ठीक है, एन डिवाइड बाय टू प्लस वन करते होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ वन वन से कट गया, आर इज इक्वल टू आ गया एन डिवाइड बाय टू, एन कितना है हमारा 6, डिवाइड बाय टू किया तो ये आ गई 3, मतलब आर की वैल्यू भी आ गई। अब हमने टर्म निकालनी है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, ठीक है, और उसमें वो फॉर्मूला एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, इसके मुताबिक हमारे पास टर्म जो है वो 3 + 1 4 हो जाएगी, और इधर एन सी आर में 6c4, सॉरी 4 नहीं, आर की वैल्यू तो 3 है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 3 6, जो आपका एन सी आर में 63 आ गया, और ए कितना है हमारा, ए ही है ना, ए ही है, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 6 - 3, और बी की पावर तो ऑलरेडी 3 हो जाएगी, तो अब 6c3 चाहिए हमें, तो कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, ये 64 निकला हुआ था वैसे, शिफ्ट ये और 3, ये कितना आ गया 20, ठीक है जी, याद रहेगा 20, ए की कितनी हो जाएगी 3, बी की भी 3, तो देखिए कौन सा आंसर आ गया, ये आ गया ना हमारा आंसर, ठीक हो गया ना, इसका मतलब समझ आ जाएगी आपको कि ये कैसे सोल्व हुआ हुआ है। तो ये पूरा प्रोसीजर करना होता है हमें, तो इसका ऑप्शन है बी, 20 वाला सही हो गया। तो अभी हमने जो किया वो क्वेश्चन नंबर है 12, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब ये देखें जी, यहां पर बात हो रही है द वैल्यू ऑफ एन सी एन इज इक्वल टू, क्या होगी, कितनी बार आपने ये क्वेश्चन किए भी हैं, और उसको थोड़ा सोचें, मैं ऑप्शन लिखता हूँ, मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन ठीक है।
ए क्या ये एन सी एन जीरो होती है, बी क्या वन होती है, सी क्या एन होती है, डी क्या माइनस एन होती है, बताएं। जब भी हम 4C4, 5C4, मतलब कि ये सॉरी फाइव नहीं, जब भी हम 4C4 जो है जीरो लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, वो तो वन होगी ही होगी, तो पता है 4C4 किसके इक्वल होता है, वन के। 5C5 भी वन के। एन सी एन फिर क्या होगी, सो एन सी एन इज इक्वल टू बी वन नहीं होगी, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। इस चीज को आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, अगर वो एन सी एन कह रहा है आप खुद चेक कर सकते हैं, किसी भी एक नंबर को पकड़ के उसी का एन सी आर निकाल लें। अगर आपने 5 लिया या 6 लिया हुआ, उसको 6 पे एन सी आर निकालें, 6C6, तो वो आपको बता देगा। लेट्स सपोज यहाँ पे हम 4C4 लिख के देख लेते हैं, तो वो वैल्यू क्या देता है हमें, आंसर क्या देगा हमें, वन देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने जेन में रखना है कि जब भी एन कोई नंबर है ना, वो एन सी एन आता है, यानी कोई भी नंबर का ही नंबर का एनसीआर होता है, तो वो हमारा हो जाएगा वन। ये क्वेश्चन 13 था, 13 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, तो बस आपने प्रैक्टिस करनी है, उसको जेन में बिठा ले चीजों को, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब सवाल जो है वो सोल्व होने वाला है, वो कहता है द एक्सपेंशन, ठीक है जी, द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स की पावर आ गई -1 इज। ठीक है, हम ए प्लस एक्स तो सोल्व करते हैं, ए प्लस एक्स की पावर को अगर हमने एक्सपेंड करना है तो फिर आंसर क्या आएगा, उस चीज को अब हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। और उससे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख दूँ, कि इसके ऑप्शन भी वैसे काफी लंबे लंबे ऑप्शन होने हैं। ठीक है, तो मैं लिखने वाला हूँ, तो वो देखने आपने। पहला ऑप्शन ए आता है 1 -x - x² - x³ + 16, ये 100 नहीं रहेगा, ये खत्म नहीं होता, और नेगेटिव वैल्यू वैसे भी खत्म नहीं होती। ये भी ये देखिएगा +x² - x³ + 16। ऑप्शन सी है 1 - 1/1 का फैक्टोरियल -1/7, यहाँ पे एक्स भी है, और 2 का फैक्टोरियल x² और +1/3 का फैक्टोरियल x³ + 16। देख रहे हैं ये लंबे लंबे ऑप्शन है, अब इसमें हमें एक एक आंसर है बस हमारा, 1 - 1/1 का फैक्टोरियल x और +1/2 का फैक्टोरियल और x² - 1/3 का फैक्टोरियल x³ + 16। इतने वैसे लंबे लंबे सवाल जो होते हैं ना, वो ऑप्शन पेपर में मुश्किल ही होते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें तो होना चाहिए ना इसका अंदाजा। दो सवाल देखिएगा, 1 + x की पावर आ गई -1, ठीक है माइनस में आ गई, आपको पता है इसको हम एनसीआर से नहीं कर सकते। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एनसीआर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर सोल्व करता है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है, लेकिन एनसीआर कभी भी माइनस वाली वैल्यू को या बटे वाली फ्रैक्शनल वैल्यू, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, वो सोल्व नहीं करता। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं किससे करते हैं, इसको हम करते हैं फैक्टोरियल मेथड से। तो मैं करने जा रहा हूँ इसको, देखिए कितना, हम ए की पावर मैक्सिमम, बी की पावर मिनिमम, जीरो का फैक्टोरियल, फिर आ जाते थे प्लस की लिखते थे पावर शुरू में, ए की पावर ए की पावर हमने शुरू में लिखते थे, पावर शुरू में लिखते थे, फिर ए की पावर से हम एक कम करते थे। ठीक है, और फिर दूसरे की बी की पावर में एक ऐड कर लेते थे, डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर सिंपल कर लें इस चीज को, देखिए मैं रेस करके दोबारा से समझाने लगा हूँ, देखिए सिंपल इस तरह से हो जाएगा कि ए हमेशा ही आपका क्या रहने वाला है, वो वन जो है वो वन ही रहेगा, वन को फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा लिखिए, ये देखें पहले आपने लिखना है, देखिए फर्स्ट एंटिटी मतलब ए की पावर, और उसमें वो क्या होगा, एक्स की पावर जीरो हो जानी है ना, तो पहला तो वन रहेगा, फिर प्लस आ गया, फिर आप पावर शुरू में लिखते हैं। ठीक है ना, वो आप लिखें, फिर पावर एक कम करके लिखने वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके एक्स की पावर में ऐड करके वन का फैक्टोरियल बना लें बस, फिर प्लस लिखे, फिर पावर शुरू में लिखे, पावर में से एक जो कम है ना वो भी लिखना है आपने साथ इसके, मतलब -1 और फिर ऐसे। ठीक है, और उसके बाद करनी है, और वो 1 की पावर खत्म खत्म करने की जरूरत नहीं है, नीचे 2 का फैक्टोरियल प्लस, फिर देखिए अब इसके आगे भी चलेगा ना, यहाँ पे ले आते हैं, फिर देखिएगा पावर शुरू में, पावर में से आपने एक कम करके, फिर पावर में से आपने 2 भी कम करना है। ठीक है ना, और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगी 3 और डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, मतलब सवाल में नीचे फैक्टोरियल आना चाहिए, सी और डी के ऑप्शन है इसके,
सी के और डी के ऑप्शन के अंदर पहला देखा जाए, पहला आता है 1 - x/(1)। ठीक है ना, दूसरा वाला देखें वो -2 है, -1 -2, माइनस में प्लस हो गया तो पॉजिटिव में 2 आएगा और x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर 2 आ रहा है, इसका क्या किया जाए? अब ये मैं सोच रहा हूँ, पूरे सवाल में कहीं नहीं है ना। उसको कॉन्सेप्ट को भी फिर हम बाहर निकाल देते हैं, बस साइन पॉजिटिव देखना है हमें। ठीक है, तो या फिर एक और काम है, ये ऑप्शन मतलब नीचे हो सकता है कि नीचे भी ना हो, हो सकता है ऊपर भी आ जाए, पूरा सॉल्व करके तो हम करके देखते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या आता है हमारे पास, एक प्लस आ गया, ऊपर वाला देखिए अब ये -3 है, -2 है, -1 है, 3 × 6 हो गए और 6 माइनस में आएगी ये वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ पर -6 और x का क्यूब और डिवाइड बाय नीचे 3 का फैक्टोरियल, ये फिर सॉल्व आगे भी करना है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 - x/(1) का फैक्टोरियल 1 ही है, प्लस 2x/(2) का फैक्टोरियल 2 है, -6x/(3) का फैक्टोरियल 6 है, प्लस 4। फैक्टोरियल कैसे निकलता है, अब कैलकुलेटर में जाएं, यहाँ पर लिखें 3 और शिफ्ट, और यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है x इनवर्स में, तो ये साइन बन जाएगा और इक्वल करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से। और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 - x आ गया, 2 से कट गया, 6 से कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में x² और माइनस में आपका आ जाएगा x³ और प्लस 4। अब आप समझ गए ना, बिल्कुल ठीक ऐसे ही करना है आपने। और इस तरीके में देखें आंसर कौन सा वाला आंसर बन रहा है, ऑप्शन देखिएगा, क्या ये ऑप्शन बी है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये हमारा आ गया ऑप्शन बी। सही है, तो ये आप देख लें, तो अभी जो किया है ना वो क्वेश्चन नंबर 14 था, अब जो 15 है ना बिल्कुल इसी की कॉपी है, बट यह कि उसमें साइन का डिफरेंस लेके आ गया। ये क्लियर हो गया? ओके, अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिएगा पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, सेम लिखा हुआ है दी एक्सपेंशन, ठीक है, और ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर 1 - x/(-1), वो प्लस में थी तो ये आ गई है माइनस में, और मैं इसके भी ऑप्शन लिख देता हूँ, और फर्क होता है माइनस की वजह से भी साइन चेंज होता है बस। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन ए लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन बी, एंड देन ऑप्शन सी, और ये तो मुझे लगता है नीचे ही सॉल्व होना है क्योंकि इतने इतने बड़े बड़े आंसर आ गए हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, अब इसको नीचे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्या है 1 - x/(-1)। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, 1 - x/(-1) जब सॉल्व करते हैं हम कहते हैं कि a की पावर वो मतलब के जो भी हो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना, मतलब माइनस वन होती है, और b की पावर जो है वो मिनिमम यानी जीरो होगी, और डिवाइड बाय नीचे आ जाता है जीरो का फैक्टोरियल, फिर हम लिखते होते हैं प्लस, पहले पावर शुरू में लिखते हैं। ठीक है, अब वन की पावर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम x की पावर में एक ऐड कर देंगे नीचे वन का फैक्टोरियल प्लस, फिर पावर शुरू में पावर को एक कम करके लिखा, दो हो जाएगी ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, और उसके साथ x की पावर भी 2, नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर ये देखिए पहले पावर आ गई, शुरू में पावर से एक कम भी लिख दी, पावर से 2 कम भी लिख दी, 3 हो जाएगी, नीचे आज के साथ आ जाएगा x का क्यूब और डिवाइड बाय किया आ जाएगा यहां पे 3 का फैक्टोरियल, प्लस 1 हो जाएगा। सही है ना, और अब यहाँ पे देखना है हमने, ये देखें पहला 1 आ गया इसका फैक्टोरियल, पहले सबका सारा 1 ही आ गया, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स आ गया, यहाँ पर देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 2 से वैसे भी अगले स्टेप में वैसे कटता है, अभी नहीं काटते, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x² / 2 का फैक्टोरियल 2 ही हो गया, फिर ये भी देखें ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये माइनस में 6 आ गया और डिवाइड बाय साथ एक्स का क्यूब और डिवाइड बाय 6 का 3 का फैक्टोरियल भी 6 आ गया, प्लस 1, तो यहाँ पर 6 से कट गया, 2 से कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1 - x + x² - x³ और प्लस 4, यानी यहाँ पे देखें 1 - x है ऑप्शन में, अब हमें यह चीज देखनी पड़ेगी, तो आप देखें
15 वाले में ये बी ऑप्शन देख रहे हैं, 1 - x + x² - x³ + 16 ऑप्शन बी है। बुक में 15 का ए लिखा हुआ है, हाँ गलत है, बुक में 15 का ए लिखा हुआ, आप ये भी देख ले, मैंने आपके सामने सोल्व किया है ना, आप देखिएगा इसको जरूर, आप इस तरीके से सोल्व कर लेते हैं ना तो कुछ भी हो आपको आंसर तो मिलना है ना। वैल्यू आप यहाँ पर देख ले, क्या हमने कोई गलती तो नहीं की साइन की है ना हमने, यहाँ पे देखिए हमने भी तो ये गलती की है, देखिए गौर से, हमने गलती ये की है कि हमने यहाँ पर एक्स के साथ माइनस नहीं माइनस लगाया, ये गलती है हमने की है। एग्जैक्टली यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, हमारे सवाल में गलती है। ये भी देखें, ये माइनस का स्क्वायर होगा, ये भी देखें ये माइनस का क्यूब होगा, क्यूब तो हुआ क्या, पहले वाले माइनस साइन जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ये वन ही है, दूसरे तो वाले है। में यहाँ पर एक्स खुद भी माइनस में है, ठीक है, तीसरे वाले में देखें एक्स का जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, चौथे वाले में ये वाला माइनस भी चौथा इसके साथ मिला, तो ये यहाँ पर माइनस में आएगा, और इस वजह से अब हमारे पास ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस ऑलरेडी है, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, अब ठीक है सारे ये आंसर पॉजिटिव में, इसका पॉजिटिव मतलब वो ठीक कह रहा था, ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर। मैंने आपको कहा ना हम जब भी सवाल करते हैं कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो वो अब आपने ये देख लेनी है, सवाल बिल्कुल ठीक था हमारा। यहाँ पर बेसिकली इस फॉर्म को आपको एक कॉन्सेप्ट और इसके अंदर आता है कि वन ए प्लस ये है बी की पावर एन, इस तरह किया जाए तो सवाल कभी भी गलत नहीं होता, तो मुझे ब्रैकेट्स में एक्स के साथ माइनस पी लगाना है, ठीक है, ये रूल के मुताबिक ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अभी हमने कौन सा किया, 15 था ये आई थिंक, हाँ बिल्कुल 15 किया और 7 6 अब सॉल्व 16 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ओके। अब आ जाती है जी क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, सवाल कहता है बायनोमियल सीरीज फॉर 1 + x की पावर है n, ठीक है, इज वैलिड वैलिड ओनली, ये कब वैलिड होती है यानी कब सही तस्वर की जाती है यानी कब मानी जाती है ये चीज, और उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं और उसी से हमें पता चल जाएगा। देखें पहला कहता है कि जब x छोटा हो जाए 1 से, नहीं ऐसा नहीं है। बी में आता है कि जब x छोटा हो जाए -1 से, ये भी नहीं है, ना +1 से ना -1 से, हाँ जब x का डिटरमिनेंट जो है वो 1 से छोटा हो, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, तब आपका ए प्लस 1 + x की पावर n जो है ना ये वैलिड होती है, जब x का डिटरमिनेंट जो है वो 1 से छोटा हो जाए। डी में वो कह रहा है नॉन ऑफ दीज, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ये बस आपने जेन में रखना है बात को, जब एक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 1 से छोटा हो जाए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ठीक है, 17 क्वेश्चन में ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही होना है, ठीक है, तो यहां पर कहता है द वैल्यू ऑफ 2n c n जो है इज, तो इसकी क्या वैल्यू होगी वो अब हम देखते हैं, यहां पर पहले मैं जरा इसके ऑप्शन लिख लूँ और फिर हम इसको देखते हैं। देखिए नहीं यहाँ पर आपने पहले भी एक फार्मूला पढ़ा था, ये उसी के मुताबिक होगा, वो फार्मूला लिखूंगा फिर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है 2n/(n)n(n)। ऐसा नहीं है कोई भी फार्मूला, ठीक है ना, ऐसा फार्मूला नहीं है, फार्मूले में थोड़ी ब्रैकेट ब्रुकटे कोई शक्ल है। अब बी वाला मैं ऑप्शन लिख लूँ पहले, ठीक है, ऑप्शन बी है कि जी 2n/(n)n)n भी है, फिर नीचे एन का फैक्टोरियल और एन का फैक्टोरियल, ये बात तो हजम होती है, ऊपर फैक्टोरियल नहीं आया ना, होना चाहिए था। सी में आते हैं तो 2n/(n)n)n नीचे के लई हो गया, ये भी देखते हैं। ऑप्शन डी जो है उसमें हमारे पास आता है 2n/(n)n)n आप एन का ही फैक्टोरियल ही लिखा हुआ, सिर्फ n-1 के फैक्टोरियल भी अंदर लिख दिए, अजीब सी नेचर बन गई है ना, शक्ल अजीब सी हो गई है। तो अब आपको असल चीज दिखा देता हूँ, यहाँ पर एन सी एन निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2n/(n)n (n-r)n, याद होगा, ऊपर तो बल्कि एन का फैक्टोरियल नीचे आर का फैक्टोरियल होता है ना, आर रेंज है, लेकिन
आपने वो फार्मूला नहीं लगाना इसके अंदर, ठीक है ना। आपको एक आसान चीज बता देता हूँ इसके अंदर, कि जो आपकी है ना 2n का फैक्टोरियल, एन सी एन है, इसमें आपके पास आ जाएगा पहले 2n का ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे आपने इसी n के दो टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो फिर ऑप्शन कौन सा हुआ? बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर आपने 2n टोटल का फैक्टोरियल करते हुए नीचे n का फैक्टोरियल अलग अलग दो लगा देने हैं, ठीक है। ये तरीका कार है इसका, इसके हिसाब से आपने ये सोल्व करना है। सही है। क्वेश्चन कौन सा किया अभी हमने? 17 है ना, अच्छा ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। उसको उसकी हमने मिडल टर्म निकालनी है, ठीक है। वो भी सवाल थोड़ा सा लेंथी है, मतलब मिडल टर्म निकालनी है। अब देखते हैं क्या करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में आता है द मिडल टर्म ऑफ एक्स डिवाइड बाय वाई माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स की पावर क्या है? 4 इज, ठीक है। अब इसके मुताबिक ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिर मिडल टर्म निकालेंगे। ऑप्शन ए 4x² डिवाइड बाय y², ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी क्या ये 8 है, और ऑप्शन डी 4x डिवाइड बाय y, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या वैल्यू बन सकती है। देखिए यहाँ पर है x डिवाइड बाय y माइनस y डिवाइड बाय x की पावर है 4। हमें निकालनी है इसकी मिडल टर्म, मतलब कि ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत जगह ले लेगा। हम पहले यहाँ पर डाटा लिखते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, ना ऐसा में हिल गई है स्क्रीन, ये भी कभी कभी कर जाता है ऐसा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि हमें यहाँ पर पहले डाटा लिखना है कि ए इज इक्वल टू है एक्स डिवाइड बाय वाई, बी इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स, एन इज इक्वल टू 4, R+1 इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2+1। पढ़ा है ना अपने फार्मूला इवन केस का। पावर आपकी क्या है? इवन है ना, पॉजिटिव इंटीजर में, मतलब इवन में आती है, जुफ्त है, 2, 4, 6, 4 है। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2, n कितना है? 4 डिवाइड बाय 2, R कितना निकल गया? 2। अब टर्म निकालनी है T R+1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और वैल्यू पुट करने के बाद फिर जो सोल्व करके आंसर आएगा वो होगा, आप देखते हैं यहाँ पर टी आर कितना है हमारे पास? 2। 2+1 इक्वल टू एन कितना है? 4 है ना, हाँ। तो ये हो गया 4C2, ठीक है। और ए कितने क्या है हमारे पास? एक्स ओवर वाई, ठीक है। तो ए आ जाएगा x डिवाइड बाय y की पावर क्या हो जाएगी? 4-2। और उधर से b क्या है? वो y ओवर x है माइनस में, ठीक है ना। मैंने माइनस लिखा है यहाँ पर डेटा में लिखा हुआ, ठीक है, माइनस y ओवर x, पर फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी 2 है, तो खत्म होगी ना। अब इसको सॉल्व करना है। 4C2 हमने पीछे भी देखा था, 6 था, ठीक है। और यहाँ पर x ओवर y की पावर क्या है? 2। और उधर क्या है? माइनस में वाई ओवर एक्स की पावर भी क्या है? 2। तो ये कट नहीं जाएंगी, 6 में यहाँ पे आ जाएगा x² ओवर y² और ये हो जाएगी पॉजिटिव में y² ओवर x², पता ना उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगी। इधर 1 हो गया, तो बचा क्या? हमारा आंसर होना चाहिए 6। तो इसमें हमारा आप ऑप्शन कौन सा है? बी, ठीक हो गया, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो अभी हमने चैप्टर किया है ना, ये चैप्टर नंबर 2 है, बायनोमियल थ्योरम। और मेरा ख्याल है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारा चैप्टर 2 भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट करें चैप्टर 3, क्या कहते हैं, करें शुरू? चलें जी, अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फंडामेंटल, पता नहीं क्या लिखता है ये, ठीक है, ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। हम इसके भी क्या करने जा रहे हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलें जी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो है। यहां तक ओके हो गया सारा? ठीक है, ओके।
आ जाते हैं जी पेज नंबर हमारे पास, इसके भी काफी एमसीक्यूज हैं, 21 एमसीक्यूज हैं, टोटल 7 चैप्टर्स हमने देखने हैं। अच्छा अब ये देखें जी, पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है जी, 1 डिग्री किसके बराबर होती है, और अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या पाई रेडियन होती है, नहीं ना, ऑप्शन बी देखिएगा, पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, क्या ये ठीक है, या 180 ओवर पाई, सोचें इसको, रेडियन या फिर नहीं, और से देखें, ठीक है ना, पाई ओवर 180, मतलब आपके पास 1 डिग्री जो है वो पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन के बराबर होती है, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन होती है, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। दूसरे सवाल में चलते हैं, डिग्री को वैसे भी रेडियन बनाना है तो आपको समझ आ जाएगी, अब यही सवाल आगे देखिए, पता लगेगा आपको कि 15 डिग्री इज इक्वल टू, और वो इक्वल करेंगे भी रेडियन के अंदर, तो वो अब आपने रेडियन में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है, तो अब मैं इसके ऑप्शन लिखने लगा हूँ, फिर देखते हैं और कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। पहला है आपका पाई डिवाइड बाय 6 रेडियन, और बी में है पाई डिवाइड बाय 3 रेडियन, और सी ऑप्शन है पाई डिवाइड बाय 12 रेडियन, और डी ऑप्शन जो है वो पाई डिवाइड बाय 15 रेडियन है। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास है 15 डिग्री, इधर देखें, डिग्री को आपने बनाना है रेडियन, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइड बाय 180 के साथ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये हमारे पास पाई डिवाइड बाय, तो 15 की कटिंग करेंगे हम 180 के साथ, ठीक है, कौन सा टेबल कटिंग करता है इसका, 3 पे पहले करके देखते हैं, क्या ख्याल है, 3 5 15 हो गया, 3 9 3 6 होगा बल्कि, सॉरी, ठीक है ना, 3 6 18, और ये आ गया, और ये देखिए 5 1 5 5 2 10, तो ये आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 12, यही आ रहा है, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं यही चीज आपको कैलकुलेटर में बता देता हूँ कि आपने 15 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल पाई के साथ, उसके बाद आपने डिवाइड बाय 180 कर देना है, तो वो आपको वैल्यू मिल गई है, देखें पाई डिवाइड बाय 12, तो ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं, तो ये आंसर आ गया हमारा, और ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ऑलराइट, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे उसमें भी देखिएगा 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेटर पे देखेंगे, ठीक है, और आंसर देखते हैं कि कौन सा आता है, ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, तो अभी देखते हैं, पहला ए ऑप्शन है पाई डिवाइड बाय 12 रेडियन, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये वैसे ही 15 का उसका आया, 15 का जो भी मैंने पहले देखा है, तो मैं ये ऑप्शन लिख रहा हूँ, बी हो गया, सी ऑप्शन है, और लास्ट आ गया ऑप्शन डी, तो अब इसको चेक कर लेते हैं 75 को भी, 70 हम यहाँ पे लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय, पहले शिफ्ट पाई कर लेते हैं और फिर डिवाइड बाय कर देते हैं इसको 180, तो 5/12 है, देख लिया आपने, तो मतलब ये कैलकुलेटर से भी आसानी से हो जाता है, तो ये 5π/12 कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ गया, देखिए अभी हम तो कैलकुलेटर पे भी कर लेंगे ना इन चीजों को, सही हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पहले हम बात किसकी कर रहे थे, डिग्री की, कि वो रेडियन में क्या, अब रेडियन को देखेंगे, तो सवाल आता है 1 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, ठीक हो गया, तो ऑप्शन ए है कि क्या 90 डिग्री होता है, ऑप्शन बी
क्या 90 डिवाइड बाय पाई डिग्री होता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा ना हमने, ऐसा होता भी नहीं। क्या 180 डिग्री होता है? नो। लास्ट में देखिएगा फॉर्मूला, क्या 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई होता है? ऐसे ही ब्रैकेट में ऐसे ही होता है बिल्कुल। क्या 180 डिवाइड बाय पाई होता है? मतलब क्या भला, एक रेडियन को आप डिग्री बनाना चाहें तो क्या करते हैं, 180 बटा पाई से करते हैं ना जरा, ये वही चीज। क्लियर है? एक रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यह मैं लिख देता हूं फॉर्मूला भी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आप डिग्री पहले लिखें या ना लिखें, एक बात ये की है कि 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 हमने करना है, बिल्कुल 4 किया है अभी। सवाल नंबर 5 में सवाल देखिएगा, द डिग्री ठीक है ऑफ 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसको, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो हमने देखना चाह रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1 रेडियन जो है वो डिग्री में किसके बराबर होता है। इसको आप कैसे करेंगे सोल्व, पता है आपको, हम पूरा वैल्यू सोल्व कर देंगे। हम कैलकुलेटर पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कहता है द डिग्री ऑफ 1 रेडियन इज डिग्री ऑफ 1 रेडियन, यानी 1 रेडियन डिग्री में किसके बराबर होता है। तो ये देखें, यही पढ़ा है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री के बराबर होता है। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं और कैलकुलेटर से ही पूछ लेते हैं, बल्कि वो खुद ही वैल्यू बता देगा। ठीक है, हम अगर कैलकुलेटर पे लिखते हैं 180 डिवाइड बाय पाई, ऐसे ही है, तो कितना आता है, 57.29 है ना, तो से क्या है कि 3 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 57.3। इसका मतलब है ये है 57.3, और वो भी डिग्री में होता है। और बट यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया, मैं ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, तो ऑप्शन लिख लूँ पहले। ए में कहता है कि क्या 57.3 डिग्री होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ही है, बाकी तो बस मैं लिखूंगा अब। ठीक है, मतलब हमारा आंसर आ चुका हुआ है ना। ये सारी चीजें इजी हैं अगर आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। ये लें जी, ऑप्शन कौन सा हुआ, ए। पांचवा सवाल हो चुका है, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमने 6 करना है, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये कहता है कि 2π/3 रेडियन रेडियंस ए आर इक्वल टू, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि ये जो रेडियन बताए गए हैं ये डिग्री में किसके बराबर होंगे। ये सारे क्वेश्चन आप देखें ना इजी हैं, सोल्व होने वाले हैं। अब मैं पहले ऑप्शन लिख लूँ तो देखते हैं, क्या ये 60 डिग्री हैं, ऑप्शन बी, क्या 90 डिग्री हैं, ऑप्शन सी, क्या 120 डिग्री हैं, या ऑप्शन डी कि 15 डिग्री है। तो आपको ये पता है ना फॉर्मूला, देखिएगा लगाऊं, ये हमारे पास है 2π/3 क्या है, रेडियन है। पता है आपको रेडियन को डिग्री कैसे बनाते हैं, हम 2π/3 को 180/π से मल्टीप्लाई करके डिग्री बनाते हैं, ऐसे ही है। पाई की वैल्यू पाई से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये देखिए 3 1 3 3 6 18, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, तो आ गया 120 डिग्री। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ले जी, पता लग गया आपको कैसे रेडियन आ जाए तो हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लेना होता है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हो गया 7, 6 हो गया, 7 करना है हमने। मेरा ख्याल है कि जहां तक हमने काम किया है वो आपको समझ आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन करना है ना वो थोड़ा सा लॉजिकली है, वो आपको मैं बताता भी हूँ। वो कहता है द टर्मिनल, क्योंकि ये चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं तो, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आती हैं, तो ये समझा दूंगा मैं अभी। द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा जो एंगल है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहा है कि साइन
ऑफ द साइन थीटा विल बी, वो क्या होगा? इसके साथ साथ आपको मैं बाकी भी समझा दूंगा कि वो क्या होंगे, ठीक है? लेकिन पहले मैं इसके ऑप्शन लिख दूं, फिर मैं आपको ग्राफ में समझा दूंगा। ऑप्शन ए है कि क्या वो साइन जो है, साइन थीटा का जो साइन है, क्या वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा या फिर बोथ पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो उसके बाद ऑप्शन डी कहता है कि नोन ऑफ दीज, ऐसा नहीं है कि हो ही ना, ऐसा नहीं है। हर सवाल का कोई ना कोई जवाब तो इसमें मौजूद हो गई, ठीक है। अब ये ग्राफ समझिएगा, ये है एक ग्राफ जिसके होते हैं क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला कौन सा है, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। आपने बात याद रखनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट के हवाले से, पहले याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री साइन है सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव्स, ठीक है। सेकंड वाला जो होता है इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं पता है आपको, सेकंड वाले में साइन और इसका रेसिप्रोकल, सेकंड वाले के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कौन सा है, यही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल जो है ना कॉट, ये पॉजिटिव होता है, समझते हैं बात। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सीकन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। इसने सवाल में क्या बोला है, द टर्मिनल ऑफ साइड ऑफ थीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएं और वहां पर देखें कि साइन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, क्या होगा हैं, साइन थीटा का साइन क्या होगा, नेगेटिव। सिर्फ पॉजिटिव किसका होता है, कोस और सीकन का, यही तो समझ, अब आप समझ गए ना। साइन और जो इसका रेसिप्रोकल, अगर इसे साइन की बात करता ना, ये नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव कब होगा, जब वो पहले या दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन का खुद का क्वाड्रेंट है वो पॉजिटिव इसमें होता है, वो सेकंड है। थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो फिर साइन का क्या आंसर आएगा इसका, हैं फिर वही बात अभी बात की है, नेगेटिव, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना, कोस की बात नहीं हो रही। अगर कहता है यहाँ पे कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम कहेंगे ठीक है ओके पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे सवाल फिर देखें, अभी सवाल ऐसे आने हैं अब ग्राफ वाले, इसलिए समझना है आपने, तो वो मैं ग्राफ वही यूज कर लूंगा। अच्छा, वो कहता है द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, ठीक है जी, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर से क्वाड्रेंट साथ ही लिखा हुआ है, बोथ साइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा आर, बताइए अब दोनों की बात हो रही है, ठीक है, क्या होंगे, सोचो और मुझे बताना है। साइन और टैन दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से साइन रखते हैं। लेकिन यहां पर कुछ और बात हो रही है, ऑप्शन देखिएगा पहले। ऑप्शन ए, साइन थीटा इज लेस देन टू जीरो एंड टेंजेंट थीटा इज मोर देन टू, नहीं सॉरी लेस देन नहीं है, सॉरी ये मोर देन है, साइन थीटा इज मोर देन टू जीरो और टैन दोनों क्या बड़े होते हैं, बड़े नहीं होते वैसे, ये बात तो है, मैं लेस देन बोल रहा था ना, वो एक्चुअली असल में आंसर बोल रही है मैंने, तो साइन जो जीरो से बड़ा नहीं होता और ना ही टेंजेंट जो है वो जीरो से छोटा होता, इस तरह यानी कि दोनों दोनों का हिसाब सेम होते हैं। ऑप्शन सी है इसका कि साइन थीटा जो है वो भी छोटा होता है जीरो से और टेन भी थीटा जो है ना वो भी जीरो होता है, यानी कि उससे जीरो से छोटा होता है। डी में आ जाता है यहाँ पर कि साइन थीटा इज लेस देन टू जीरो जबकि टेंजेंट थीटा इज मोर देन टू जीरो। बात कौन सी क्लियर है कि साइन और टैन दोनों ही जीरो से छोटे होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ में, इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये अपना है सी ऑप्शन में कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर
दोनों आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के साइन है ना, साइन और टैन, ये क्या होते हैं, जीरो से छोटे होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सवाल देखिएगा, अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई, ऐसे ही है ना, एक सर्कल 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, एंड आल्सो, और उसके साथ ही डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री। देन तब हम बात करेंगे ऑप्शन। अब यहां पर हमारे पास देखिएगा कौन कौन से हैं। एक ऑप्शन ए है कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होगा, क्या बताएं होगा कि नहीं, ये देख के बताएं। एक सर्कल है, पूरा सर्कल जिसका एंगल है 2 पाई रेडियन, और जो के थीटा डिग्री के अंदर, डिग्री में 360 डिग्री बनती हैं, तो क्या 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर हो सकती है या नहीं बताएं। है, और वो होगी भी, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर हैं, बट दोनों के जो, जिसे कहते हैं कि दिखने वाली शक्लें जो है वो डिफरेंट हैं, या लिखने के लिहाज से हिसाबी तौर पर जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों बराबर होती हैं। एक सर्कल का जो पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस या थीटा है ना, वो 2 पाई रेडियन भी है फुल सर्कल का, और वही थीटा 360, ये पूरा सर्कल कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री का। तो इसका मतलब है 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन की बराबर है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन है, ये भी रहेगा याद, ठीक है, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अब छोटे-छोटे काम आ रहे हैं, अभी अगले सवाल भी देखेंगे बहुत छोटा सा, वो भी आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है पाई रेडियन इज इक्वल टू, किसके बराबर होती है वैल्यू, पता है आपको ना, भूल गए मैं सिर्फ पाई की बात कर रहा हूं, वो तो 2 पाई थी। पिछला सवाल दिखाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई है, तो इसका हाफ कितना हो गया, 360 का 180, तो फिर क्या आएगी 180। ऑप्शन ए देखें, क्या ये 360 की डिग्री के बराबर होगी, नो। ऑप्शन बी, क्या 270 डिग्री होगी, नो। सी, क्या ये 180 डिग्री होगी, एग्जैक्टली। या फिर ऑप्शन डी, क्या ये 90 डिग्री हो जाएगी, 90 तो हो ही सकती है ना कभी भी इतनी छोटी, तो फिर क्या आंसर आएगा कि ये बराबर होती है 180 डिग्री के। सही है, ओके, एक मिनट रुक लेगा, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 10, ठीक है, आ गया, थोड़ी देर ना हम थोड़ा स्टक हो जाते हैं, हीट होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं हम, और यहां पर बात हो रही है द रिलेशन बिटवीन, और ये चीज पढ़ी भी हुई है आपने, के आर, इसमें है एल है और लेंथ के लिए जो है, और जो रेडियस है उसके लिए यहाँ पर क्या यूज होता है, आर एंड सेंट्रल एंगल, उसके लिए क्या यूज होता है, थीटा रेडियन में इज इक्वल टू। मैं वैल्यू लिखूंगा तो मुझे आपने बतानी है कि इसकी क्या रही है, इनमें से कौन सी रिलेशन है, और आपको पता भी है। ऑप्शन ए, क्या एल इज इक्वल टू थीटा ओवर आर। ऑप्शन बी, क्या एल इज इक्वल टू आर ओवर थीटा। ऑप्शन सी, या एल इज इक्वल टू आर थीटा। या ऑप्शन डी, एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, बताइएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, कौन सा ऑप्शन है, सी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मतलब हमने इनकी रेशो के मुताबिक, हमें ये रिलेशन पता चलती है, L is equal to R theta, इसकी वजह से हम लेंथ ऑफ आर्क या कर्व जो है वो मालूम कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, इफ, अब वो इस सवाल के उसके मुताबिक L is equal to 12 सेंटीमीटर, R is equal to 3 सेंटीमीटर, एंड देन हमने फाइंड करना है थीटा इज इक्वल टू, ठीक है जी,
तो अब होगा क्या, पहले ऑप्शन देखते हैं फिर अपना आंसर निकालेंगे। ए हमारे पास है कि क्या ये 36 रेडियन होगा, वो तो अब लिखेंगे तो पता चलेगा ना, 4 रेडियन। सी में है कि क्या 1/4 रेडियन बनेगा, या फिर ऑप्शन डी 18 रेडियन। अभी देख लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। यहां बात हो रही है कि हमारे पास है एल इज इक्वल टू, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा फॉर्म बदल लूँ इसकी। खांसी लग गई है मुझे, ये रहा। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। डाटा हमारे पास मौजूद है, एल 12 है, इज इक्वल टू आर हमारे पास कितना है 3 थीटा। तो ये 12/3 इज इक्वल टू थीटा में आ गया, तो ये आ जाएगा 3/ मतलब के 3/4 12, तो थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियन। हमेशा आंसर क्या होता है उसका, रेडियन ही होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हुआ, बी बी ऑप्शन, मतलब 4 रेडियन सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है एन एंगल एक जाविया सबटेंडेड एट दी सेंटर, ठीक है, ऑफ अ सर्कल बाय एन एन आर्क, एक कर्व है, ठीक है, इक्वल टू टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, वो मैं लिखूंगा यहाँ पर, फिर उसको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके फिर ऑप्शन में देखेंगे। तो मैं पहले ऑप्शंस लिख लूँ इसके, राइट एंगल ऑप्शन बी, डिग्री ऑप्शन सी, रेडियन एंड ऑप्शन डी एक्यूट एंगल। वैसे तो सारी चीजें बेकार लिखी हैं कि रेडियन या बस कंसीडर होता है, क्योंकि वही एक समझने वाली चीज है। कहता है एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ, जो आपका ये मतलब सर्कल लिखा होगा, जी ये इसने भी कुछ किया, मिटा दिया, ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो तो वही होगी ना, कि जाहिर सी बात है कि उसका जाविया है वो है एंगल, मतलब के उसको बोलेंगे हम रेडियन, मेजरिंग यूनिट में। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, अब ये सवाल कहता है द द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल Described by a wheel, ठीक है, इन 5 revolution यानी चक्कर, 5 चक्करों में, 5 revolutions is। तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास रेडियन के अंदर हम मतलब डाटा देखेंगे, क्या चीज हमें पता लगेगी इसके अंदर, 5 चक्कर की बात कर रहा है यहाँ पे, 5 revolution बोला है इसने, वो भी एक व्हील के। तो डिस्क्राइब, अब यहाँ पर पता नहीं क्या वैल्यू है आपके, अब एक तो टाइम शॉर्टेज है, मैं इसके ऊपर भी ज्यादा वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, मैं पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ, फिर आप उसके अंदर से देखते हैं क्या हो सकती है। ए हमारे पास है कि 5π, इतनी तो नहीं होगी, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या किस चीज की बात हो रही है, हमने ना मेजर करना है। ऑप्शन बी आ जाएगा हमारे पास 10π, ऑप्शन सी आ जाएगा 15π, और ऑप्शन डी है कि 20π। 2π पढ़ा है आपने, है ना, एल इज इक्वल टू होता है 2π, एक पूरे सर्कल का, ठीक है, एक चक्कर, एक मतलब उसकी लेंथ है, तो उसने तो 5 चक्कर लगाए हैं, ऐसे ही है ना, तो हम इसको 5L कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2π मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे ना, 5 टू द
10 पाई, कुछ इस तरह से कंसीडर करते हुए आप कर ले, बस जितनी भी वैल्यू होगी रेवोल्यूशन आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है उसको, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 पाई की। ठीक है, तो ये हमारी ये ऑप्शन बी आंसर है। डिटेल इसकी अभी जो है ना टाइम नहीं है, तो अब आगे बाद में देखेंगे इसको फिर कभी। 15 क्वेश्चन देखना है अब हमने, ये 14 था, ओके। 15 में कहता है कि इफ एन आर्क, इसने आर लिख दिया, अच्छा ठीक है आर की है ये, ठीक है, ऑफ अ सर्कल हैज लेंथ जो है वो एल है एंड सबटेंड्स एंड ये आगे क्या लिख दिया इसने, ठीक है जी, सबटेंड्स एंड जो एंगल है वो थीटा, देन रेडियस, फार्मूला तो वही है ना एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला, उसी के मुताबिक ही है, विल बी, तो इसका जो रेडियस निकलेगा उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक हो गया, ऑप्शंस देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन देखिएगा ए थीटा ओवर एल, ऑप्शन बी एल ओवर थीटा, और ऑप्शन सी एल थीटा, और ऑप्शन डी एल प्लस थीटा। अब देखिएगा पहले एक चीज, फार्मूला क्या पड़ा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और यहां पर एक वैल्यू नहीं है, कौन सी, हमें यहाँ पे कहा कि इफ द इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल हैज लेंथ एल एंड सबटेंड्स लिखा हुआ एंड एंगल थीटा देन रेडियस आर विल बी, हमें आर निकालना है, ये थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा, एल के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या वैल्यू होगी, एल ओवर थीटा, कौन सा ऑप्शन है, बी। ये बता रहा है सबटेंड ऑफ, ये देखिए लिखा हुआ है देन रेडियस आर विल बी, के रेडियस क्या होगा, तो रेडियस में आर इधर रहने दें, थीटा उसके नीचे क्या होगा जाके डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमें उसकी वैल्यू जो है ना रेडियस की मिल जाएगी। तो ये ऑप्शन आ गया, ये कौन सा ऑप्शन था, 15, 16 नंबर देखते हैं आप। तो कहता है कि इफ साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2, ये भी एक कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने स्किप किए हुए हैं ना, तो ये ऑप्शन उसमें से है, द टर्मिनल टर्मिनल रे ऑफ एक्स जो है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी, पहले क्वाड्रेंट में, सारे पॉजिटिव होते हैं वैसे तो, पता है ना आपको। देन वो कह रहा है कॉस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, ये भी मुझे आपको सोल्व करवाना पड़ेगा, और आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाले, ये उसी के अकॉर्डिंग होने हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक सवाल देखना फिर समझ आएगी। पहले मैं ऑप्शन लिखता हूँ फिर हम आंसर बनाएंगे। पहले ये देखिएगा ऑप्शन ए बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, सी का लिखा हुआ है इसमें 1/2, और ऑप्शन डी जो है वो है -1/√2, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, √3/2, और इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है पता है आपको, एक ट्रायंगल के मुताबिक U होता है, साइन किसके बराबर होता है, U, अमूद बटा वितर, अमूद किसे कहते हैं परपेंडिकुलर को, और वितर किसे कहते हैं हाइपोटेनस को, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक ग्रुप जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि रिक्वेस्ट आई है तो मैं ज्वाइन करवा दूँ, ठीक है, ताकि उनको भी नोट्स मिल जाएं। एक मेंबर भी आया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो भी आता जाता है मैं साथ साथ जो है ना अप्रूव कर देता हूँ ताकि वो भी नोट्स ले सकें। जो भी पीडीएफ नोट्स है ना वो सारे फेसबुक के ग्रुप में आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है देखें, 2 है ना, परपेंडिकुलर की √3 है, तो ये देखें 2 का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस बी बेस का, बेस की तो वैल्यू चाहिए ना हमें, अभी मिलेगी, देखिएगा ये वैल्यू से कट गई, ये 2 टू द 4 और इक्वल टू ये हो गया 3 प्लस बी स्क्वायर, ऐसी है ये बी हुई उधर चला गया तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, मतलब ये 1 हो गया, तो बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अगर ले भी लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बी किसके इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव 1 के, सही है, तो आपको साइन थीटा का तो पता चल गया, यहीं पर वो कोस की वैल्यू भी जानना चाह रहा है, और क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होती है पॉजिटिव, इसलिए मेरा आंसर नेगेटिव नहीं होगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो कोस के बारे में जान लें, कोस थीटा बराबर होता है 2 के बेस बटा हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी आई है 1, हमने निकाली है ना अभी, पर हाइपोटेनस कितना है 2, तो 1/2 आंसर आएगा, क्लियर हो गया आपको, ये वैल्यू कैसे बनती है जो हम अगर सीखना चाहते तो कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये चीजें बस अंडरस्टैंड करनी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, और इसके सवाल भी होते हैं, ओके, एक्सरसाइज में होते हैं ज्यादातर बार, ठीक है। अब हमने कौन सा ऑप्शन किया अभी 16, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, आई थिंक इसमें ना ये इधर तक खत्म हो जाएंगे, बस ये शीट कंप्लीट हो जाएगी, फिर नई शीट में काम करेंगे, ठीक है। ये सवाल आता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड द टर्मिनल साइड, ठीक है, टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पहला सवाल किया अभी हमने, सेम एज इट इज, ये दूसरा सवाल भी उसी तरह का ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज हो गया है, पहले वाले में साइन पॉजिटिव थे, यहाँ पे अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है, लेकिन बात तो साइन की ही कर रहा है, ठीक है, तो हमें सोल्व भी करने की जरूरत है कि नहीं वो देखनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या कह रहे हैं देन, ठीक है, यहाँ पर देखा देन टेंजेंट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी सोल्व होगा, यहाँ पर टेन थीटा के हिसाब से सोल्व होना है, और यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख दूँ इसके, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ऑप्शन देखिएगा इसके, एक ए आ गया 4/5, ऑप्शन बी -5/4, ऑप्शन सी सॉरी 4/4, मैं ठीक लिख रहा हूँ बोला गलत है, 5/4 अब आया है, और ऑप्शन डी जो है ये -3/4, सही है। अब इसको हम चेक करके देखेंगे कि एक्चुअल राइट आंसर इसमें कौन सा है, मैं ये ठीक कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह पे जो है ना ठीक हो गया नहीं। अब देखिएगा क्वाड्रेंट कौन सा है हमारे पास, पता है आपको, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा माइनस, ठीक है ना, जब भी आंसर आएगा हम लास्ट में जाके टेन को साथ माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है सेकंड, इसमें कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन, और इसी का रेसिप्रोकल कोसेकेंड। अब यहां पर देखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू है 3/5 सेम एज इट इज, ये देखे इसका इसकी वैल्यू होती है u परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना क्या है, ये भी देखिए tan निकालना है जो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस के, यानी अप अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, देखिए मेरे पास बेस नहीं है तो वो बेस हम निकालने वाले हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा देंगे, और इसमें हाइपोटेनस कितनी वैल्यू है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी बेस का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा 25 हो गया, यही इधर लागे -9 हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा बी का स्क्वायर, ये माइनस करें तो 16 आता है, तो 16 का स्क्वायर रूट इक्वल टू बी का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, बी के बराबर आ गया 4 के, tan की वैल्यू क्या बनेगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है ना, तो 3/4 कितना हो गया 4, बट क्वाड्रेंट की वजह से क्या लगेगा माइनस, तो -3/4 इसका ऑप्शन कौन सा होगा डी, ये क्लियर हो गया, पॉजिटिव में वैसे भी नहीं वो मौजूद, मजे की चीज अगर आप ये कर भी लेते हैं वहां पे पॉजिटिव में साइन यानी ऑप्शंस है ही नहीं, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि नेगेटिव वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, कंफ्यूज किया गया है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, अब करने लगे क्वेश्चन नंबर 18, तो इसके बाद बाकी फिर हम थोड़ा वक्फा रखेंगे, तो
5-10 मिनट का, फिर दूसरी वीडियो में, दूसरे लेक्चर में बाकी जो है ना अगले चैप्टर्स होंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड ठीक है जी कोस थीटा इज नेगेटिव, ठीक है, साथ ही उसने लिख दिया है देन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज, अब ये मुझे यहां पर देखना पड़ेगा, हाँ बस ठीक है, उसने कहा लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में अमल करेगा, ये यही पे देख लिया, पहले ऑप्शन लिखता हूँ फिर सवाल को समझते हैं। उसने लिखा है जी कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्यूएडी को क्वाड्रेंट ही कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में है। फिर कहता है क्या सेकंड क्वाड्रेंट है या फिर ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ, यही होते हैं ना, इनके अलावा कोई सेपरेट तो नया तो कोई क्वाड्रेंट है नहीं, तो ये आ जाएगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए क्या कहते हैं, इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव एंड कोस थीटा इज नेगेटिव, साइन पॉजिटिव हो जाएगा कोस नेगेटिव हो जाएगा, देन द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है जबकि कोस नेगेटिव, पहले वाले में सारे पॉजिटिव, दूसरे वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव है जबकि कोस नेगेटिव है, तो फिर क्वाड्रेंट कौन सा हुआ सेकंड, क्योंकि थर्ड में साइन ही नेगेटिव हो जाएगा कोस भी नेगेटिव, फोर्थ वाले में कोस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, उलट है, लेकिन हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड, क्लियर हो गया आपको, इसके लिए सेकंड, और वो जो ऊपर टेबल बना है वो आपको पता होना चाहिए ग्राफ में, बस सेकंड थर्ड फोर्थ में कौन कौन से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बस। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 में, ये भी सेम एज इट इज ही है, चीज पूछ रहा है इफ साइन थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, ठीक है, देन टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल लाइज इन, ठीक है, देखिए सेम चीज नहीं है, क्या बात की है इसने, स्टेटमेंट को समझ ले, आपको पता चल जाएगा पिछले क्वेश्चन में और इसमें दोनों के हिसाब से एक ही चीज बात पूछी गई है, क्वाड्रेंट कौन सा है जी इसमें भी, क्या ये फर्स्ट है या सेकंड या फिर आ जाएगा थर्ड या फिर लास्ट में है फोर्थ, ठीक है, तो अब बात समझिएगा इधर, वो कहता है हमारी हमारे पास है कि इफ साइन थीटा पॉजिटिव है टेन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में, सेकंड ही वो क्वाड्रेंट है जिसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव है सारे, तो टेन तो नेगेटिव है भाई, तो सेकंड ही क्वाड्रेंट इसके लिए भी होगा, क्या ख्याल है, सही है ना, दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है साइन भी कोस भी, साइन अगर पॉजिटिव कोस नेगेटिव है तभी सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता ही सेकंड क्वाड्रेंट में, अदरवाइज फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा और उसके बाद फिर हम थोड़ा वक्फा रखेंगे अगली वीडियो में, फिर इंशाल्लाह लास्ट नहीं है बल्कि सेकंड लास्ट है, इसके 21 सवाल है, सवाल आता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 7, ठीक है, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 7, दो वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, और साथ ही लिखा हुआ है देन कोट थीटा इज इक्वल टू, ये एक आसानी हो गई कि हमें तीनों वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे, उसने दे दिए दूसरे ने भी, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए 2, बी है कि -1, सी के -1 डिवाइड बाय 2 या ऑप्शन डी -2। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यूज देखिए, साइन थीटा है 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 7, यानी इसमें क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कोस थीटा बराबर है माइनस में 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 7, यानी के बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, टैन का उलट होता है कोट, कोट बेसिकली यहां पर होगा
अगर टेन है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, टेन का उलट कोट है। अगर वो पी ओवर बी है तो ये बी ओवर पी हो जाएगा, और दोनों वैल्यूज मौजूद है, बी की वैल्यू कितनी है 1, पी की वैल्यू कितनी है 2, 1/2 तो आ रहा है। मसला यहाँ पे आएगा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये लिखा हुआ यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ तो फिर 1/2 आंसर आएगा, बट नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन भी यूज हो रहा है, देखिए कॉस में माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है भला, पता है आपको क्वाड्रेंट ना भी दिया हो खुद क्वाड्रेंट जान लें, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस नेगेटिव आ गया, मतलब ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की, तो कोट तो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसलिए कोट भी क्या होगा नेगेटिव क्वाड्रेंट की बेस पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ये क्वाड्रेंट समझने हैं बस आपने। उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे लिख के देखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे सवाल एक फार्मूला है, कहता है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, और इसको अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, फिर देखेंगे बाकी चीजें। ए हमारे पास के सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के, ऑप्शन बी कहता है के साइन थीटा और कॉस थीटा के, ठीक है, ऑप्शन सी, ये फार्मूला आपने याद कर लेना बस, ये है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर प्रूफ किया तो ये भी हो जाता है, लंबा चौड़ा सवाल है, 2 आ जाएगा आपका कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की, बस आपने याद रखना है कि अगर वो दोनों ऐड हो रहे हो सिर्फ ये वाले तो ये ऐड मतलब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा देखा जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी होते हैं और ये एक दो जगह पर यूज भी हुए हैं, यहाँ तक जो है ना हम जो है चैप्टर नंबर, हमने मैथ 1, 2, 3 का जो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, तीन चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो हमने एक्सप्लेन करते हुए जो है ना वो कंप्लीट कर दिए हैं, और इसके साथ ही बाकी चैप्टर जो होंगे वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें अपलोड कर दूंगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है जी, और बेल आइकन पर क्लिक भी आपने कर लेना है ताकि आपको नई वीडियोस भी आसानी मिलती रहे, और इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आपके साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।